नमस्कार दिस इज कपल शर्मा एंड आई वंस अगेन वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश बाय शर्मा दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन वर्ब्स इन इंग्लिश और इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था किस तरह वर्ब्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं उसका इंट्रोडक्शन और टाइप्स उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मार्क किया ट्रांजिटिव और इन ट्रांसिटिव वर्ब्स इन इंग्लिश और उसके बाद तीन वीडियोज में कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपसे डिस्कस किए कि इनकी स्पेलिंग सेम है प्रोनाशिएशन अलग अलग है ट्रांजिटिव है इन ट्रांसिटिव है एटीसी उसके बाद तीन वीडियोज में प्राइमरी ऑक्सिलरी बी

पिछला वीडियो देख लीजिएगा जिन्होंने ना देखा हो ये उसका सेकंड पार्ट है तो वहां से आप आइएगा आप एक बार मेरे चैनल को स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट सेक्शन खोलकर देखिए आपको ग्रामर के लिए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल वर्ब्स टाइम और टेंस अभी तक पढ़ा दिए हैं मिल जाएंगे और नेक्स्ट हेडिंग एडवर्ब्स होने वाली है जिसकी मुझे डेली जाना कितनी कमेंट मिलती है मैं बता नहीं सकता एडवर्ब कब पढ़ाएंगे प्रपोजिशन कब पढ़ाएंगे कंजंक्शन कब पढ़ाएंगे

तो आप वहां मेरे साथ जुड़ सकते हैं तीस दिन में पूरी किताब मैं आपको खत्म करा दूंगा और इससे पहले एस पी बख्शी चुका हूं आप वहां से पिक कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फ्रॉमी प्लस पर पढ़ाता हूं बैंकिंग सेक्शन में शाम बजे क्लास रहती है ग्रामर की और आठ बजे प्रैक्टिस की जो लोग प्लस पर हैं एनरोल करके डेली लाइव आ सकते हैं मेरी ऐप पर आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ एस एस सी डिफेंस जैसे एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश पाए कपिल देव शर्मा सेम ऐप से और जो लोग टेलीग्राम का पार्ट नहीं है प्लीज ज्वाइन मीओवद क्लासेस आपको सारी वहां से मिल जाएंगे आप के के आप मेरे मेरे आप डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी थिंग और एनी अदर डिले क्विकली बस मार्क करना चाहूंगा टेलीग्राम चैनल YouTube चैनल Instagram, Facebook जहां आप मेरे साथ जुड़ना चाहें, जुड़ सकते हैं स्टूडेंट हैं तो टेलीग्राम आपके लिए मस्ट है बाकी आप जो चाहें देख लीजिएगा एंड लास्ट नॉट द लीस्ट अैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं बैंकिंग स्ट्रीम में तो आप चाहे तो मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं बहुत सारी स्पेशल क्लास फ्री में आपको मिल जाएंगी और Unacademy प्लस पर आने से पहले मेरा कोड यूज करके दैट इज कपिल सर यू कैन गेट फ्लैट डिस्काउंट बैंक एस एस सी यूपीएससी या किसी भी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन क्यों ना हो अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म चलिए थर्टी क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करा दिए थे कोई नया हो तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा पार्ट वन जिसमें ये 30 यहां तक मैंने डिस्कस कर लिए थे बहुत ज्यादा डिटेल में आइए जरा यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन स्क्रीन मेरे देश की हालत खराब हो सकती है बद से बदतर हो सकती है अगर हमने नहीं को कम या खत्म करने के तौर पर सेंटेंस तो बहुत अच्छा है और इसमें कोई फार्मूला बेस्ड एरर भी नहीं है फॉर्मूला बेस्ड मतलब अनलेस नेगेटिव शब्द है तो इसके साथ नॉट लगा है एस बी ए की कोई गलती होगी ऐसी भी नहीं है बट कई बार एग्जाम्स में कॉन्टेक्स्ट बेसिस पर एरर भी आ जाती है कि ग्रामर सही है पर सेंटेंस का मीनिंग मीनिंग लेस हो रहा है कुछ यहां पर भी ऐसा ही है होप का मतलब आशा करने से है और कुछ अच्छी चीज की आशा करने से होता है आई होप मैं आशा करता हूं कि आप आएंगे आशा करता हूं कि आप जिंदगी में मुकाम तक पहुंचेंगे आई होप विश ये अच्छी चीजों के लिए दिखाते हैं और आप आगे दुआ क्या कर रहे हैं माई कंट्रीज कंडीशन मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स देश की हालत बद से बदतर हो जाए मैं दुआ करता हूं आशा करता हूं किस खुशी में मुझे ये दुआ तो कोई नहीं करेगा अपने देश के लिए तो यहां पर होप नहीं आना चाहिए आप एक ऐसे शब्द से काम चलाइए आई फियर मुझे डर है अगर हमने ये नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए तो कहीं मेरे देश की हालत और बुरी ना हो जाए ये बात जायज है आप डर कह सकते हैं आई फियर मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो जाए बिकॉज आगे थीम नेगेटिव है पॉजिटिव थीम होती होप लिखना चल जाता नेगेटिव थीम है होप का इस्तेमाल ना करें किसी और शब्द का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आई होप सिचुएशन खराब हो मैं क्यों दुआ करूंगा कि सिचुएशन खराब हो आई फियर मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो जाए नेगेटिव थीम है फियर लिख दीजिए अच्छा होता होप कर लेते ठीक है नेक्स्ट टेकिंग टी ही वेंट टू ऑफिस एंड डिस्पोज ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क चाय हाथ में लिए हुए ही वेंट टू एंड डिस्पोज ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क सही तो लग रहा है आई रिपीट चाय हाथ में लिए हुए वो ऑफिस गया और उसने सारा काम कर दिया वहां पर एक मिस रिलेटेड पार्टिसिपल की कहानी मैं बहुत बार सुना सुना चुका हूं इस वीडियो में थोड़ा जल्दी आगे चलूंगा 70 हैं। अगर एक मिनट भी लगाई तब भी डेढ़ घंटा लगभग लग जाएगा और एक मिनट से ज्यादा एक बार में लग जाती पिछले वीडियो में बहुत आसानी से समझाया था इस वीडियो में भी कई आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि बींग अ रेनी डे ही डिसाइडेड टू गो देर गलत है बिकॉज डेंगलिंग पार्टिसिपल मिस रिलेटेड पार्टिसिपल मैं बारिश वाला दिन नहीं हो सकता तो यहां तो वो भी सही है ही अपना रोल यहां पर प्ले कर सकता है और चाय वो लेते हुए गया ऐसा सब कुछ ठीक है ये भी तो सही है ग्रामेटिकली ये भी सही है पर मीनिंगलेस स्टेट में जा रहा है टेकिंग टी चाय लेते हुए मैं ऑफिस पहुंचा इसका मतलब होगा चाय हाथ में लिए हुए मैं ऑफिस पहुंचा और हाथ में चाय लेकर ऑफिस कौन पहुंचता है हाँ चाय वाय पीकर नाश्ता करके मैं ऑफिस जा सकता हूं हाथ में चाय लिए हुए टेकिंग टी इन माई हैंड फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू हाथ में चाय लेकर ऑफिस तो नहीं जा सकता इसीलिए फिर से गलत है स्टेटमेंट टी मत कीजिए आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि चाय पीने के बाद आफ्टर टेकिंग टी आई होप सो सबसे बढ़िया और सबसे आसान करेक्शन आफ्टर टेकिंग टी आई वेंट टू दी ऑफिस आई ही जो भी लिखा हुआ है चाय पीने के बाद वो ऑफिस गया और वहां पर सारा काम उसने कर दिया after he had taken tea जब वो चाय पी चुका था उसके बाद ऑफिस गया और वहां पर उसने काम किया या ऐसा कुछ भी कर दीजिएगा परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर लीजिए हैविंग टेकन टी चाय पीने के बाद ही वो ऑफिस गया और ऐसा हुआ वैसा हुआ चाय हाथ में लेकर मैं ऑफिस नहीं जा सकता चाय खत्म करने के बाद पीने के बाद ही मैं ऑफिस जा सकता हूं तो टेकिंग की से बेहतर होगा आफ्टर टेकिंग टी चाय पीने के बाद या फिर टी चाय खत्म करने के बाद या जब मैं चाय पी चुका था उसके बाद ऑफिस गया जो आप मार्क करना चाहें फ्रैक्शन सेम रहेगा These will affect our health. SSC LDC 2011 कई बार समझाया द हिंदू हमेशा फॉर्मल इंग्लिश फॉलो नहीं करता इंटरनेट पर दी गई हर जानकारी फॉर्मल नहीं होती परंतु आपके एग्जामिनेशन में आपको फॉर्मल चलना पड़ता है इंग्लिश में सही है अगर ये सेंटेंस द हिंदू में लिखा है तो इसमें कोई करेक्शन नहीं करना कई बार कह दिया वो हमेशा फॉर्मल नहीं चलता एग्जाम्स के एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको फॉर्मल चलना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है अगर आपको अपनी सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो ये नो no एरर है अगर आप यूपीएससी का मेन्स लिखने वाले हैं जो कई बच्चे मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि आप भी अच्छा लिखिएगा ज्यादा अच्छा लगेगा बट फिर भी गलत नहीं है जिनके एग्जाम्स है आप ध्यान से सुन लीजिएगा ब्रिटिश इंग्लिश के नाते नाउन है इफेक्ट आई एम सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं है, हमेशा वर्ब कही जाती है या यूज की जाती है आई रिपीट इफेक्ट हमेशा नाउन है और अफेक्ट हमेशा वर्ब की तरह इस्तेमाल की जाती है कोई नई एरर नहीं है मैंने कई बार पढ़ा भी दिया वापस कह दूं जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स आ जाते हैं और हमने कई बार सुना होगा इस बात के बहुत सारे हार्मफुल अफेक्ट नहीं कहे जाते हार्मफुल इफेक्ट्स कहे जाते हैं तो हार्मफुल एडजेक्टिव है डेंजरस एडजेक्टिव है और इनके साथ अक्सर आपने इफेक्ट्स ही लिखा देखा होगा अफेक्ट देख ही नहीं सकते नाउन ही नहीं है तो हार्मफुल इफेक्ट्स इफेक्ट नाउन हो गई हार्मफुल के चक्कर में और एक टोटके से याद रखिएगा आई ओ एन लगाकर काफी सारी वर्ब्स को नाउन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं आई रिपीट आई ओ एन लगाकर काफी सारी वर्ब्स का नाउन वेरिएशन बनाया जाता है जैसे ऑप्ट वर्ब है ऑप्शन जिससे नाउन बन जाती है सजेस्ट वर्ब है सजेशन जिससे नाउन बन जाता है क्वेस्ट वर्ब है क्वेश्चन जिससे नाउन बन जाता है एक्ट वर्ब है एक्शन जिससे नाउन बन जाता है और अफेक्ट वर्ब है

पर व्याकरण की दृष्टि से अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है तो वो एरर डिडिक्शन का सौदा है इफेक्ट हमेशा नाउन है हार्मफुल इफेक्ट और अफेक्ट हमेशा वर्ब है ध्यान एंड द लास्ट वन इस स्लाइड का ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड सिर्फ एक मैटर अभी तक आपका सेटल हो पाया है वन डिस्प्यूट है ठीक ठाक है एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ टाइम और एसबीए से बड़ी कोई एरर नहीं बनती आपको हमेशा इनको यूनानिमस चलाना पड़ता है और पहला स्टेटमेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट की थीम में है प्रेजेंट टेंस में है कम से कम वन इशू हैज बीन सेटल्ड परंतु दूसरा स्टेटमेंट पास्ट में है अदर्स लेफ्ट और अदर्स लेफ्ट में एक्टिव वॉइस है जैसे व्हाट्सएप की चैट में किसी को बुरा लग जाए तो वो ग्रुप लीव करके चला जाता है और नाम लिखा आता है फॉर एग्जाम्पल के ही लेफ्ट समबड़ी लेफ्ट उसी ने लीव किया था अदर्स लेफ्ट अगर इंसानों को रिप्रेजेंट करता है तो कई लोग यहां पर मौजूद हैं कई चले गए हैं चल जाएगा अदर्स लेफ्ट दो लोग चले पांच लोग चले चले गए गए पांच पर यहां बात किसकी हो रही है डिस्प्यूट की किसी इशू की किसी वस्तु की और डिस्प्यूट कैसे छोड़ के चला जाएगा कि डिस्प्यूट लेफ्ट अदर्स डिस्प्यूट कोई दिखा रहा है लेफ्ट इंपॉसिबल ये तो हो ही नहीं सकता फिर क्या करें तो उस केस में इसको पैसिव थीमे रख दीजिए प्रेजेंट

Voice को ही रिप्रेजेंट करती है। तो एक सॉल्व हो settled, settled, सब रह हैं। जल्दी से रिविजन इस स्लाइड का अच्छी चीजें हैं आई होप आप आएंगे आशा करता हूं आप जरूर आएंगे अच्छी चीजों के लिए पर मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो जाए आई फियर क्योंकि आगे नेगेटिव थीम है हाथ में चाय लेकर मैं ऑफिस नहीं जा सकता चाय लेते हुए मैं ऑफिस नहीं जा सकता चाय पीकर ही मैं ऑफिस जा सकता हूं यूनानिमस टोन फॉर्मल टोन इसीलिए ग्रामर सही होने के बावजूद भी सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत था आप लोग ध्यान रखें स्पेशली बहुत कॉमन एरर है अफेक्ट हमेशा वर्ब है इफेक्ट हमेशा नाउन है हालांकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश में स्पेशली इफेक्ट को वर्ग की तरह इस्तेमाल करते हैं द हिंदू लिखता है पर आपके एग्जामिनेशन में गलत माना जाएगा प्लीज ध्यान रखिएगा एक काम हो चुका है बाकी सारे रह गए ठीक है सेम थीम सेम टोन सेम टेंस ही इज टें मुझे याद है इन दो शब्दों का लगभग सेम मीनिंग है परंतु इनके साथ आने वाले प्रपोजिशन या जो भी शब्द आगे आने वाले हैं वो डिफर करते हैं आप कह सकते हैं जैसे मैं इसमें एडिटिंग नहीं करूंगा जो एक्चुअल आंसर था वही लिखूंगा

i am able to do this मैं ये काम कर सकता हूं am able to do this मैं इस काम को करने में सक्षम हूं समर्थ हूं एटिस परंतु am capable of capable के साथ कभी भी टू नहीं लिखा जाता am capable of प्रीपोजिशन है am capable of doing this पॉसिबल रहेगा यू आर एबल टू डू दिस मीनिंग वही है यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस परंतु कई शब्दों के साथ जो फिक्स्ड पैटर्न्स हैं वही आप ध्यान रखिएगा तो मैं जो अभी बोलने वाला था कि मैं खुद की सोच से यहां पर करेक्शन कर सकता हूं ही ही इज इज एबल एबल टू टू डू डू दिस दिस वर्क वर्क पर जो लोग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं और एग्जाम्स स्टेटमेंट्स हैं आपसे रिक्वेस्ट है जब आपने सेंटेंस पढ़ा ही इज कोई गलती नहीं है अच्छा ही में कोई गलती नहीं है ही के साथ इज भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है ही इज केपेबल लिखा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो केपेबल के साथ टू डू नहीं आता तो करेक्शन वहां करना वहां मत करना फ्रैक्शन अगर गड़बड़ हो गए तो महंगा पड़ सकता है तो ही इज केपेबल पहली चीज पहलीपेल ऑफ और प्रपोजिशन के साथ हमेशा आई फॉर्म जाती है तो ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन द गिवन टाइम वो तो आराम से एक काम करके आपको दे देगा डेडलाइन जो आपने दी है उससे पहले ही करके दे देगा एबल टू डू समथिंग और केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग प्लीज ध्यान रखिएगा कॉमन सी लाइन है कोई बहुत डिस्टिंक्शन नहीं है यू शुड अवॉइड मैंने आराम से पढ़ा दिया है ये सिर्फ साधारण वीडियो नहीं है कि सर ऐसा क्यों भाई पुराने वीडियो देखो मैंने तो बहुत डिटेल में फाइनाइट नॉन फाइनाइटिव एंड ट्रांसटिव प्राइमरी ऑक्सिलरी सब पढ़ा दी है पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा जहां पढ़ाया गया था अवॉइड के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है एंजॉय के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है ऐसे बहुत सारे शब्द हैं दिस इज वन ऑफ देम सो यू शुड अवॉइड आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्या गोइंग टू स्कूल स्कूल नहीं जाए अरे ऐसे नहीं अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है परेशानी है तो फिर स्कूल मत जाएगा तो यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल इफ यू हैव दिस दैट और एनीथिंग सच अवॉइड के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ही लिखी जाती है ध्यान एग्जामिनेशन में कॉमन तौर पर इन चीजों को पूछा जाता है और मैंने पिछले वीडियो में आराम से पढ़ाया था तो मैं इसको कहकर आगे बढ़ सकता हूं कोई अलग सी नई चीज होगी तो डिटेल में डिस्क्रिप्शन जरूर मार्क करना चाहूंगा अवॉइड डूइंग समिंग अब नो अचीवमेंट टू बोस्ट मेरे पास कोई भी ऐसा अचीवमेंट तो है नहीं जिसके मैं डींगे हाथू जिसके लिए मैं शो ऑफ करूं जिसके लिए मैं एटीट्यूड दिखाऊं ईटीसी ये अच्छी एरर है हालांकि वर्ब की की है पर की भी है आगे कहीं होगा मुझे याद नहीं कौन सी स्लाइड में होगा कहीं मिल जाए पता नहीं परंतु टाइम सेव करने के लिए मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं एक ब्लैंक स्लाइड लेकर या फिर उसी स्लाइड में आगे तो बहुत जाना पड़ सकता है मुझे चलिए यही चेक कर लेते हैं इस बात को कई बार ऐसा होता है बेस्ट लाइन फ्रॉम माई साइड आई नीड अ पेन मुझे एक चाहिए. मुझे एक चाहिए लिखने के लिए आई नीड टू राइट मेरे शब्द अभी यहीं तक है और हम लोग हिंदी से जिस तरह इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं बन जाएगी बहुत अच्छी बात है पर हजार प्रतिशत दोनों भाषाएं सेम नहीं हो सकती मतलब वही है हंड्रेड परसेंट दोनों लैंग्वेजेस सेम नहीं हो सकती डिफरेंस तो बहुत सारे आते हैं आई नीड अ पेन टू राइट हमने हिंदी कर ली आई नीड अ पेन मुझे पेन चाहिए क्यों लिखने के लिए टू राइट मतलब लिखना हो गया ऐसा नहीं होता राइट लिखना है फाइन पेन से आप लिखते हैं ना तो वो हिंदी में ट्रांजिटिव है पेन से लिखते हैं पेन नहीं लिखते और अंग्रेजी में भी ही रहती है यानी प्रपोजिशन फॉलो करती है यू डोंट राइट पेन यू डोंट राइट अ पेन यू राइट विद कई बार मैं प्रपोजिशन में आराम से पढ़ाऊंगा

और वो पीछे देंगे नहीं तो हम हिंदी करके उस शब्द का मीनिंग निकाल के उसको सही मान लेते हैं पर ऐसा होता नहीं सबसे आसान एग्जाम्पल जो दिमाग में घूम रहा है इस वक्त दिस इज दिटी आई यूज टू फॉर एग्जाम्पल ये वो शहर है जहां पर मैं रहा करता था फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिटी आई यूज टू लिव नहीं क्योंकि लिव करके हमने हिंदी तो कर ली पर आई डोंट लिव दिस सिटी I don't live this city. I live in this city. आपको लिखना होगा. So this is the city I used to live in. ये वो शहर है जहाँ पर मैं रहता था, रहता हूँ, ऐडीसी. E because I live in this city or anything such. That's the pen you were looking for. ये ढूँढ रहे थे ना येरा. This is the pen you were looking for. वो for पर ending है. Because you were looking for a pen and this is the pen you were looking for यही वो पेन है जिसको आप ढूंढ रहे थे क्योंकि आप पेन ढूंढ रहे थे तो मेरे पास कोई ऐसा अचीवमेंट है ही नहीं जिसके मैं डींगे हांकूं आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट हमें लग रहा है सही है बोस्ट के साथ पता होगा कई लोगों को ऑफ लिखा जाता है वी डोंट बोस्ट अचीवमेंट्स वी बोस्ट ऑफ अचीवमेंट्स हम इन चीजों के लिए शो ऑफ करते हैं प्राउड फील करते हैं एटीसी वी बोस्ट ऑफ समथिंग मुझे इस चीज का गर्व है प्राइड है ए वी बोस्ट ऑफ समथिंग तो वो समथिंग तो यहां आ गई अचीवमेंट वो आपको आगे लिखना पड़ जाएगा जैसे एग्जाम्पल दिया सिटी आई टू लिव इन द पेन टू राइट विद बिकॉज वी राइट विद अ पेन और ऐसी एरर बहुत कॉमन है हमें आदा से, से ज्यादा लोग जानते होंगे हाँ सर पता है आप ज्यादा एक्सप्लेन मत करो पर जो नहीं जानते हैं प्लीज ध्यान रखिएगा द टीचर प्रिवेंटेड द बॉय टू गो दर अगर साधारण हिंदी की जाए तो ये नो एर लगेगा टीचर प्रिवेंटेड को रोका किस बात से वहां जाने से रोका Go मतलब जाना सही तो है। जैसे इसी स्लाइड में एक सेंटेंस था, वो भी एसएससी ने पूछा था 2007 में। ये 2016 का है in of, हर के साथ अलग अलग सेट ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं यहां भी वही यू समथिंग यू डोंट समवन टू डू समथिंग यू प्रिवेंट समी फ्रॉम डूंगी टू डू समी फ्रॉम डूंग पढ़ाया गया था डू नॉट वेस्ट वॉटर पानी बर्बाद मत किया करो को तो सात आठ नौ दस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इन डायरेक्ट नरेशन में जो मुझे याद है अभी मैं बोल देता हूं ही एडवाइज मी Not to waste water, वो तो शक्ल से दिख रहा है not वाला। मना करने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं। He refused me to waste water. He denied me to waste water. He prevented me from wasting water. He stopped me from wasting water. He prohibited me from wasting water. रिफ्रेन फ्रॉम एब्सटेन फ्रॉम और ऐसे बहुत सारे शब्द हमेशा फ्रॉम प्लस आई एन जी लेते हैं टू प्लस वीवन भी लेते हैं जैसे मैंने कहा रिफ्यूज्ड मी टू गो देयर, डिनाइड मी टू गो देयर, पर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, स्टॉप्ड मी फ्रॉम गोइंग देयर, प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग देर और ऐसे बहुत सारे तो ध्यान रखना प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग में जाता है सेंटेंस छोटा सा था पता है तो फ्री के मार्क्स है नहीं पता तो महंगा पड़ सकता है प्लीज ध्यान रखिएगा फर्स्ट और लास्ट की एक ही कहानी

एवरी वन कंसिडर्ड हिम एज ए ब्रेव मैन बट ही फ्लेट फ्रॉम द बैटल हर कोई उसे बहादुर इंसान की तरह मानता था पर वो तो भाग गया बैटलफील्ड से भाग ही गया था एक अच्छा एग्जांपल है वही फॉर्मल टोन में चलने वाला ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ एज का इस्तेमाल फॉर्मल टोन में नहीं किया जाता भाषा में परफेक्शन किसी के पास नहीं है मेरे साथ भी होता है रिकॉल करूं समझाने के लिए टाइम एक सेकंड वेस्ट नहीं करना मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं सर आपने वो प्रोनाउन के वीडियो में पढ़ाया था उसके बाहर की भी दुनिया है भाषा में अपनी बात को कहने के अनेक तरीके होते हैं सिर्फ एक तरह से अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता और कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एसएससी रोज लिख रही है कोई फर्क नहीं पड़ता विश्वास नहीं है आप चेक कर लेना मैंने अपने यूट्यूब पर भी पढ़ा दिए सी पंद्रह 16-18 नवंबर 2020 को जो मेंस हुआ था टी ए टू हुआ था उसमें चेक कीजिए कीप के साथ रिफ्लेक्सिव अलाउड है और स्टेनोग्राफर 22, 23, 24 दिसंबर 2020 में जो हुए चेक कीजिएगा कभी देखिएगा तो वो किताब की बातें कभी कभी माफ कीजिएगा तो कंसिडर्ड एज होता तो है आप अखबार में लिखा पा सकते हैं सही है एग्जाम के एरर डिटेक्शन में आया तो फ्री के मार्क्स कह सकता हूं नहीं होता इलेक्ट अपॉइंट सिलेक्ट मेक डिक्लेयर क्राउन Consider, इनके साथ एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता बिकॉज मैं आपको अपने हिंदी में चलता है मैं आपको अपने भाई के जैसा मानता हूं भाई की तरह मानता हूं इंग्लिश यूज नहीं करती फॉर्मल टोन में आई कंसिडर यू माई फ्रेंड आई कंसिडर यू माई ब्रदर एवरीबडी कंसिडर क्या ब्रेव मैन हर कोई उसे मानता था क्या मानता था एक ब्रेव मैन की तरह हिंदी में जा रहा है कि तरह मेरे भी मुंह से निकला

डॉक्टर्स शायद इस पेशेंट को बचा ही नहीं सकते थे जिसके चेस्ट में बुलेट लगी थी गोली लगी थी इस तरह से ठीक है डॉक्टर्स सब्जेक्ट है पेशेंट ऑब्जेक्ट है साफ दिख रहा है थीम एक्टिव वॉइस की है आई रिपीट साफ दिख रहा है थीम एक्टिव वॉइस की है आई हैव टेकन डिनर आई है मैंने उसे बुला लिया मैंने खाना खा लिया ए तो रोज की कहानी बी प्लस वी थ्री दिखाती है और यहाँ पर बी भी है और वी थ्री भी है तो यह पैसिव वॉइस में आ गया और पैसिव वॉइस में सेंटेंस तो है नहीं डॉक्टर इस पेशेंट को बचा सकते थे नहीं बचा सकते थे सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में ही है तो जबरदस्ती पैसिव थीम क्यों डाल रहे हैं बीच में साफ लिखो ना द डॉक्टर्स है कु नॉट हैव सेव द पेशेंट ये बीन हटा दीजिएगा हाँ अगर इस तरह होता द पेशेंट कुयर तो हंड्रेड परसेंट सही होता इस पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता था अगर हम इतना ध्यान नहीं रखते इटीसी पर डॉक्टर पेशेंट को बचा पाए नहीं बचा पाए बचा सकते थे नहीं बचा सकते थे एक्टिव वॉइस है और एक्टिव में बी प्लस वी थ्री नहीं आता साधारण सेंटेंस आई हैव डन This, अपने आप में पॉसिबल है तो जबरदस्ती कई बार एक्टिव पैसिव की भी एरर एग्जाम में पूछ जाती है नेक्स्ट द गवर्नमेंट सॉट एन अर्ली रिलीज ऑफ फंड आगे पढ़ने के कॉलम में है नहीं टू के साथ आईएनजी है किसी को शिकायत ना हो मैं पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दो तीन वीडियोस मिलाकर एक वीडियो में नहीं पांच मिनट में नाउन खत्म कि टू के साथ इंग्लिश में आई एनजी कभी नहीं आती सेंटेंस को गलत दिशा में ना लिया जाए अरे सर आती तो है वो बहुत सारे वर्ड होते हैं जहां टू के साथ भी आई एनजी है क्यों आती है मैंने वो भी पढ़ा दिया वहां पर टू प्रपोजिशन है और ये वो कैटेगरी है नहीं लुकिंग फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू गिवन टू प्रोन टू एडिक्टेड टू अस्टम टू उन शब्दों में यह है नहीं तो यहां पर वो कॉलम नहीं है थोड़ी कि कहीं भी फिर टू के साथ आईएनजी लगा दी मुझे जाना है आई हैव टू गोइंग क्योंकि सर टू के साथ आईएनजी आती है ना तो जहां प्रपोजिशन होगा वहां पर आई आएगी और वो लिस्ट मैंने पूरी आपको दिखा चुका हूं दिखा दी है एक बार चेक कर लीजिएगा ये उस लिस्ट का सौदा नहीं है तो साधारण तौर पर टू के साथ हमेशा वी वन ही लिखी जाती है सो गवर्नमेंट एन अर्ली रिलीज ऑफ फंड सरकार ने फंड थोड़ा शायद पहले ले लिया जिससे कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो जल्दी हो जाए इसका मतलब ये होता है किसी काम में थोड़ी सी जल्दी करने के तौर पर टू डू दिस टू डू दिस टू डू दैट ए टू के साथ साधारण तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शिकायत है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं लाइव नहीं है कि बोलूं को पूछ सकते हैं आप पांच बजे की क्लास में आप डेली डेलीडमी पर मिले शिकायत यहाँ की भी होगी वो भी आप मुझे पूछ लीजिएगा पूरी बुक सोल्व करा रहा हूँ आई होप सो आपके लिए बेहतर होगा मिलते हैं आपसे वहां पर बडी कंसिडर्ड हिम दिस मैं आपको ये मानता था वो मानता था कंसिडर के साथ फॉर्मल टोन में एज का इस्तेमाल ना कीजिएगा साधारण तौर पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है थीम एक्टिव है डॉक्टर ने उसे बचा लिया ईटीसी तो एक्टिव लिखे ना जबरदस्ती पैसिव क्यों बनाए पर हां टू के साथ साधारणतः की फर्स्ट फॉर्म कुछ शब्द हैं जहां पर टू प्लस आई है, जहां टू प्रशन है आराम से पढ़ा दिया था, कभी फ्री हो वीडियो देखकर चेक कर ट्रे समी नॉक डोर जब भी सेंटेंस की शुरुआत आई फॉर्म से हो रेनी डे तो वो इट वाली कहानी दिमाग में आनी चाहिए जब तक हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब तक इसको जज करें उसी कहानी से जैसे थोड़ी देर पहले सही है पर मैं चाय हाथ के थोड़ी जा सकता हूं सब्जेक्ट हाथ में लेके ऑफिस तो नहीं जा सकता कुछ ऐसा यहां पर हो सकता है गड़बड़ होगी तो होगी चेक कर लेते हैं गोइंग टूवर्ड उनकी तरफ जाते हुए हाथ में कुछ चाय का कप लेकर ट्रे में समबड़ी नॉक द डोर सेंटेंस का हिंदी अर्थ बनेगा कोई संबड़ी हाथ में चाय लेकर उनकी तरफ जाते हुए नॉकड द डोर ये तो बहुत भयानक हो गया ना प्रॉबेबली जब मैं आप वो वो ही शी कुछ भी सब्जेक्ट अलग वाला जब मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ही हुआ अरे जैसे ही मैं वो गेट की तरफ जा रहा था चाय लेकर किसी ने दरवाजा खटखटाया किसी ने दरवाजा खटखटाया उसने चाय लेकर वो मेरी तरफ नहीं आ रहा है और है तो दिखा दीजिएगा फिर से वही मिस रिलेटेड पार्टिसिपल की कहानी तो आपकी जो मर्जी आप लिख सकते हैं going, going, जो आपको लिखना है, तब कोई गेट नॉक कर रहा था वाइल आई वॉज गोइंग टूवर्ड विन माइ इन ट्रेबड़ी नॉक द डोर ही मैं रूम के अंदर घुसने वाला ही था जब वहां जा रहा था तब तक कोई दरवाजे पर आ गया तो जब सब्जेक्ट सेम है मत लिखिए अलग अलग कॉन्टेक्ट दिखाए जाए तो वहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट मार्क करना पड़ेगा ठीक है काफी बार बता चुका हूं तो थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा हूं पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था अगर शिकायत हो तो वहां देख लीजिएगा या फिर कमेंट्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं इट इज अ अट प्लेस इतु सा स्टेटमेंट सीजीएल टीयर टू दो हजार तेरह में पूछा है सही तो है इट इज अ डिजर्ट प्लेस डिजर्ट वर्ब है त्यागने के तौर पर ये डेजर्ट नहीं है सहारा डेजर्ट वाला जिस तरह से आप कहिएगा हालांकि चीजें वही चली जाती है वर्ब है नाउन नहीं है रेत वाली जगह तो नहीं है इट्स अ प्लेस वर्ब हो गई डेजर्ट इंग्लिश में वर्ब होती है जिसका मतलब त्यागना होता है गिव अप कर देने के तौर पर छोड़ देना अबैंडन करना अब उसका इस्तेमाल नहीं करना वो तो हमने छोड़ दिया गिव अप कर दिया डेजर्ट कर दिया उस केस में वर्ब किसी भी नाउन की क्वालिटी नहीं दिखा सकती

Abandon हो चुकी है अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता अब इसे हम यूज नहीं करते एनीथिंग सच इट्स अ प्लेस पर्ट वर्ब है त्यागने के तौर पर और यह जगह अबैंडन की जा चुकी है अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं इट्स अ डिजर्टेड प्लेस शुड बी ठीक है शेल यू लाइक टू अस इन द पिकनिक विच वी आर गोइंग टू अरेंज टू क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे उस पिकनिक पर जो हम आज अरेंज करने वाले हैं देखने में अच्छा लग रहा है पर मैंने पढ़ाया था मैं मतलब ग्रामर पढ़ाई थी साधारणतः आय और वी के साथ में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में शैल का इस्तेमाल करते हैं पर फ्यूचर में कंपल्शन आ जाए मेरा इंटरव्यू मेरे को जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा आई विल गो देर तो उस केस में आय के साथ शैल की जगह विल आ जाता है कंपल्शन दिखाने पर जरूरी है इंपेरेटिव है बहुत जरूरी है अर्जेंट है साधारणतः बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का इस्तेमाल किया जाता है ही विल गो देयर शी विल गो देयर यू विल गो देयर पर अगर इनके साथ कंपल्शन आ जाए तब इनके साथ शेल का इस्तेमाल कर लेते हैं और जब इतनी कंपल्सरी है कि जा नहीं है, तो पूछ क्यों रहे हो इसीलिए सेकेंड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन रूल मत रखिए कॉमन सेंस लगाइए यू शैल बी पनिश्ड दिस्ट शैल बी पनिश्ड ये बहुत जरूरी है ये तो जरूरी है तो यहां पर तो मैंने कह दिया शैल बी थर्ड पर्सन के साथ मैंने शैल लगा दिया

तो किताबों का आंसर विल है जिस एग्जाम ने से पूछा उनका आंसर विल था मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने ये नहीं कहा कि मेरी बात मानो आप विल ही फॉलो करिए पर मेरा पर्सनल ओपिनियन यहां पर वुड लिख देगा बिकॉज वही किताबें हमें सिखाती हैं कि जब पोलाइटनेस की बात करते हैं तो वहां पर वुड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आज आप हमारे साथ आना चाहेंगे वॉट वुड यू लाइक टू हैव आई वुड लाइक टू से समथिंग वुड यू लाइक टू ज्वाइन ई टी मेरा पर्सनल ओपिनियन है यहां पर वुड बेहतर है शैल की जगह उन्होंने कह दिया बात बराबरी है फर्स्ट फ्रैक्शन आपको चेंज करना होगा साधारण तौर पर सेकंड तो पर्सन पर ये थीम है नहीं पूछ रहा है सामने वाला हो सकता है जाए ना जाए कंफर्म तो है नहीं तो शैल यू की जगह विल यू वुड यू लाइक टू ज्वाइन एंड द लास्ट वन इस स्लाइड का Owing to heavy rains, भारी के कारण Rains सही है जब भी ये स्टेटमेंट कई बार देखा आपने भी देखा होगा पढ़ाता हूं तो बच्चे दिलानी पड़ती है Water, पानी, और मतलब भी कुछ होता है सी ओशन जैसे आपको याद होगा सैंड मतलब रे, रेत और सेंड मतलब रेगिस्तान मैं ही पढ़ाता हूं। बड़ी स्केल पर जो चीजें आ गई मेरे आपके कामकाज उठना बैठना खाना पीना चलेगा पढ़ना पढ़ाना कोई काउंटेबल नहीं है वर्क अनकाउंटेबल परंतु शेक्सपियर के चाणक्य के स्वामी विवेकानंद के कालिदास के वर्क कहे जाते हैं बड़ी स्केल पर उन्होंने काम किया तो जब छोटी मोटी बारिश है आप उसे रेन कह दीजिए भारी वर्षा को हैवी रेन्स ही कहा जाता है बड़ी स्केल पर जो बारिश हो रही है to heavy rains, भारी वर्षा के चलते द शिप ड्राउंड मिडिल ऑफ शब्दों का फर्क है एक मजाक दिमाग में आ रहा है हालांकि पढ़ाने के लिए कोई इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कि बेटा वो तौलिया जो है आपके हाथ में टावल उसको निचोड़ दीजिएगा और आप बेटा जो नींबू है ना उसको निचोड़ देना थोड़ा सा मेरे पोहे जो आप बना रहे हैं उसमें नींबू निचोड़ दीजिएगा तो हिंदी में कॉमन शब्द है हिंदी मतलब बोलने के लिए वो कॉमन शब्द है नींबू निचोड़ना और टावल निचोड़ना पर आशा करता हूं नींबू निचोड़ना कुछ ऐसे आ सकता है टावल को मैं ऐसे नहीं निचोड़ सकता ऑन दी ऑपोजिट साइड अगर मुझे टावल निचोड़नी है तो वो कुछ ऐसे जाएगी और नींबू को मैं ऐसे नहीं निचोड़ सकता हर चीजों के लिए अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कुछ वैसे यहां पर है शिप या किसी वस्तु के लिए सिंक का मतलब डूबने से लिया जाता है आप सबके घर में सिंक है जहां पर मां बर्तन डुबा देती है जब उसको धोने होंगे इससे पहले वो थोड़े से लूज हो जाते हैं उस पर जो भी गंदगी लगी आराम से उसे धो लेते हैं और वो सिंक में बर्तन डुबाए जाते हैं आदमी नहीं डुबाया जाता उसी सिंक को एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं किसी वस्तु के डूबने पर इंसानों के लिए ड्राउन का इस्तेमाल करते हैं तो भारी वर्षा की वजह से शिप डूब गया भी और यही एरर, है, बहुत एरर है कोई नई चीज नहीं है काफी लोगों को पता होगा शिप सैंक इन दिडल ऑफ सिंक की सेकेंड फॉर्म सैंक यूज कर लीजिएगा आई रिपीट भारी वर्षा के चलते जो शिप था वो डूब गया ईश्वर ना करे दो बच्चे डूब गए दो लोग डूब गए तो वहां पर राउंड चल जाता शिप है वस्तु है उस केस में सैंक का इस्तेमाल सिंह की सेकंड फॉर्म बेहतर होगी जल्दी से रिवीजन इस स्लाइड का कई बार भाषा है सेंटेंस का मीनिंग भी आना चाहिए कुछ भी रख देने से वो सेंटेंस नहीं बनता हाथ में ट्रे में कुछ चाय के कप्स ले जाते हुए किसी ने दरवाजा नॉक कर दिया तो किसी ने दरवाजा नॉक किया ट्रे में चाय के कप वो थोड़ी लेके आ रहा होगा वो तो मैं लेके जा रहा था आप लेके जा रहे थे

Next. The European nations have द यूरोपियन of the फेवरेट destinations. सबसे कॉमन चीज ऐसे sentences में one of the के साथ में नाउन हमेशा plural लिखी जाती है और है है तो तो अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं the European nations have become one of the फेवरेट destinations ऑफ द इंडियन students. Seek specialized नॉलेज एंड ट्रेनिंग Seek वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है

वो बच्चे जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहते हैं ट्रेनिंग करना चाहते हैं ये चाहते हैं वो चाहते हैं सीकिंग नॉलेज एंड दिस एंड दिस एंड दैट और जो भी आप कहिएगा द स्टूडेंट्स हु नॉलेज ट्रेनिंग जो आप कहना चाहें फाइनाइट तो नहीं दे सकता नॉन फाइनाइट दे सकता हूं आई वॉज लुकिंग इन द गार्डन फॉर दैट गर्ल कौन सी लड़की

Seeking knowledge एंड ट्रेनिंग नॉन फाइनाइट चल जाएगी फाइनाइट नहीं चलेगी बीइंग होली डे आ गया वही स्टेटमेंट बीइंग होली डे छुट्टी होने के कारण हम लोग पिकनिक पर गए चलेगा पर अब इसको समझाने में मुझे दो सेकंड भी नहीं लगने वाली क्योंकि छुट्टी होने के कारण छुट्टी थी हम लोग पिकनिक मनाने गए बोलचाल में अच्छा लगता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिलेट कर लेता है छुट्टी थी हम लोग घूमने गए छुट्टी थी फाइनाइट वर्ब है इट वॉज अ होलीडे या नॉन फाइनाइट है छुट्टी होने की वजह से छुट्टी होने के कारण अब कौन छुट्टी था आपको दिखाना पड़ेगा इस सेंटेंस के पास खुद का सब्जेक्ट नहीं है तो ग्रामेटिकली वी अपना रोल प्ले करेगा और सेंटेंस बनेगा वी हम लोग छुट्टी होने के कारण हम छुट्टी हो ही नहीं सकते ना वी कांट बी अ होलीडे गलत है चलो लगा देते हैं इट बीग अ होलीडे चूंकि उस दिन छुट्टी थी

हाउस वॉज लूटेड ना सिर्फ घर की लूट हुई थी लूट हमारे शब्द है ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज जब यहां से गए तो हमें लूट कर ले गए हमारा शब्द भी ले गए लूट इंग्लिश शब्द है मतलब इंग्लिश में है पर शब्द आपका है एटमोलॉजी हिंदी दिखाती है हिंदी से उठाया हुआ है लूट तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ना सिर्फ घर की लूट हुई थी घर को लूटा गया था बट ऑल्सो द टेकन अवे ना सिर्फ घर को लूटा गया था परंतु वस्तुएं हम इसकी हिंदी नहीं कर सकता नॉन फाइनाइट वर्ब है एक सेंटेंस यहां पर है द हाउस वॉज लूटेड घर को लूटा गया बट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अगर आप यहां फाइनाइट वर्ब नहीं दोगे तो ग्रामर इस वॉज से अपना रोल प्ले कराएगी और हाउस वॉज लूटेड सही है परंतु थिंग्स वॉज टेकन बर्बाद हो जाएगा तो आपको खुद की वर्ब देनी पड़ेगी थिंग्स वर

पर गए हिंदी में अच्छा लग रहा है छुट्टी होने के कारण पर लिखित भाषा में हम हम छुट्टी 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 हो हो जाएंगे और हम नहीं सकते उस दिन थी दो बार आपको अगर वो अलग अलग है तो आपको अलग अलग मार्क करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला घर की लूट हुई थी सिंगुलर सब्जेक्ट है हाउस और चीजें लूटी गई थी के के साथ आपको वर लिखना पड़ेगा सेम पास्ट में मार्क कर दो सेकेंड चलो आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ डन खत्म अभी भी बोला था कई बार आगे भी बोलने को मिलेगा लुक फॉरवर्ड टू विद्यू टू टू गिवन टू प्रोन टू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू इन शब्दों में टू प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के साथ हमेशा आई एन जी फॉर्म लिखी जाती है तो नंबर वन शब्द इस कैटेगरी में जहां टू के साथ आई एनजी आती है मेरी डिक्शनरी में मेरे मेमोरी में मेरे डेटाबेस में लुकिंग फॉरवर्ड टू है और वही मिला है तो यहां तो टाइम भी नहीं लगाना द स्टूडेंट्स लुकिंग फॉरवर्ड टू सर ऐसा लेकिन क्यों होता है मतलब मतलब टू के साथ आई एनजी क्यों आती है तो ये वीडियो पूरा मैंने समझा दिया है आराम से कि क्यों टू के साथ आई एनजी आती है एक बार चेक कर सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में आपको दो तीन वीडियो ऊपर मिल जाएगा

एज सुन एज पॉसिबल अगर आप इस सेंट को सही दोगे तो यहां है और ऑब्जेक्ट को आप फाइनाइट वर्ब दे रहे हैं तो गलत पहली बात दूसरी बात एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं तो यह सेंटेंस गलत है जैसे मैंने आपको आते हुए देखा था आई सॉ यू कमिंग आई सॉ यू Coming, you coming क्योंकि आप object थे letter नहीं थे, नहीं थे, दे दे तो पर पर अगर आप send कहोगे first form, कैसी भी तरीके से participle gerund कुछ भी बना के तो letter भेज देगा I will send you the file और मैं file भेज सकता हूं letter किसको भेजेगा पर लेटर भेजा जा सकता है तो पैसिव थीम चाहिए तो पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वी मस्ट गेट ये गेट यहाँ पॉजिटिव तौर पर उसी बी का काम कर लेगा तो आप डायरेक्टली थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं जैसे शायद सुनी होगी get it done. यार ये करवा लाओ चोर पकड़ा गया द थीफ गॉट कॉट गेट के साथ भी हम लोग पैसिव थीम रख लेते हैं so letter, नहीं। थोड़ी भेजेगा पर लेटर भेजा जाएगा थर्ड फॉर्म लिख दीजिए सेंट एज सुन एज पॉसिबल इस लेटर को हमें जल्द से जल्द भिजवाना पड़ेगा किसी दूसरे के द्वारा मैं भेजने नहीं जाऊंगा शायद एज पर देंटेंस लेटर हमें किसी से भिजवाना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल ठीक है चलिए ग्रेजुएट है इंडस्ट्री आर इन ग्रेट डिमांड इन द फाइनेंस सेक्टर ओरिएंटल बैंक ऑफ बैंक ऑफ कॉमर्स पहले जब आईबीपीएस नहीं था तो हर बैंक के अलग अलग एग्जाम्स होते थे 2008 में पूछा है आई होप आप समझेंगे सेल्फिशनेस नहीं दिखाएंगे इनको ढूंढने में टाइम लगता है किसी किताब में डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि ये लो सर ये पिछले हजार साल में जितने सेंटेंस पूछे गए थे लो उस सबके सब आपको दे दिए तो उस पेशेंस के साथ आई होप सो आपके लिए कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है आशा करता हूँ बहुत लोगों को ठीक भी लगे

बिना आई रिपीट वही लाइन दोबारा बोलूंगा बिना कंजंक्शन के दो फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में नहीं आ सकती तो मुझे लग रहा है मेन सेंटेंस तो ये है है ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट्स आर इन ग्रेट डिमांड डिमांड डेज आजकल की बड़ी है। कौन से ग्रेजुएट मतलब कोई भी चलेगा क्या नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना कोई भी चलेगा जिनको आई इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है उनकी काफी डिमांड है तो फाइनाइट तो मैं दे नहीं सकता नॉन फाइनाइट लगा सकता हूं एक्टिव थीम है ग्रेजुएट्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए तो एक्टिव वॉइस में बना देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल पैसिव थीम होती बना देते जैसे अभी एक्सपीरियंस तो ना तो ग्रेजुएट्स कौन सेविंग एक्सपीरियंस इन दी सेक्टर आई टी इंडस्ट्री आर इन डिमांड इन दैक्टर वो लोग जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनकी आजकल अच्छा बहुत डिमांड है डिमांड में है फाइन आ, आ सकती है सेंटेंस में कितनी बार भी

लेटर को भिजवाना है पैसिव वॉइस तो गेट के साथ भी पैसिव थीम आ जाती है गेट इट डन ही गोट कॉट दो फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकती एक नॉन फाइनाइट बना दो बी का बना देता अगर मुझे वो थीम प्रॉपर दिखती तो पर वो न होकर शायद मेन थीम यहां पर है मेन क्लॉज ये ग्रेजुएट्स आर इन ग्रेड डिमांड तो उसको आपने नॉन फाइनाइट में ट्रांसफॉर्म कर दिया नेक्स्ट यू डू नॉट नो I'm having a car and a jeep besides a big house in a good locality. मतलब मैं अच्छा खासा पैसे वाला हूं सामने वाला ये कहना चाह रहा है ऑथर का तात्पर्य ये है कभी आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे पास जम्बर्गनी वगैरह बहुत सारी हैं, जीप भी है मेरे पास ठीक है तो थोड़ा आप देख के know, शायद आपको नहीं पता कि I'm having a, car, a jeep besides a big house in a good locality. Have गुड verb है दोनों काम कर लेती है एक्शन दिखाने का भी स्टेट दिखाने का भी आई रिपीट जो है वर्ब है, दोनों काम कर सकती है एक्शन और स्टेट और जब ये स्टेट दिखाती है कि मेरे पास एक pen है, तो फॉर्मल इंग्लिश अलाउ करती है आई हैव अ पेन मेरे पास पेन है आई अ पेन मेरे पास पेन हो रहा है मुझे तो हिंदी में भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे पास पेन हो रहा है आई एम अ पेन वो दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए अच्छा लगता है पर लिटरल भाषा में इसका कोई सेंस ही नहीं बनता आप कह सकते हैं मैगडी की लाइन हम लविंग इट हो सकता है एग्जाम में आएगा तो मैगडी के भी नंबर कटेंगे तो आई हैव अ पेन आई हैव अ कार I have a laptop, I have this, I don't have this. सुना होगा यूज किया होगा फॉर्मली सही है I am having a pen, I'm having a car, I'm having a this. बकवास हो जाएगी टू शो पोजेशन क्योंकि मेरे पास पेन है तो है नहीं है तो नहीं है आपके पास लैम्बर्गनी है मेरे पास नहीं है भाई तो आई है तो I don't have, नहीं नहीं है है मेरे पास हो रही है, कोई सेंस नहीं बनता State दिखाने के तौर पर में का इस्तेमाल नहीं नहीं किया जाता पर ये action भी दिखा सकता है वो आपने फोन नहीं उठाया अरे मैं खाना खा रहा था उस वक्त इसीलिए पांच मिनट से बात करता हूं रुको अभी खाना खा रहा हूं खाना खा रहा हूं वो नहा रहा था उसीलिए आपका फोन नहीं उठा पाया आई वॉज है शावर फॉर एग्जाम्पल तो मैं खाना खा रहा था मैं ये काम कर रहा था वो काम कर रहा था आई वॉज पर एक्शन है और एक्शन प्रोग्रेस में आ सकता है प्रोग्रेसिव जा सकता है स्टेट में या तो वो चीज है या फिर नहीं है उसकी प्रोग्रेस कहां से दिखा दू हो रही है तो आपको शायद नहीं पता होगा आई हैव दिस आई हैव दैट ई टी सी आई एम हैविंग नहीं आई हैव

पहली बात ये सब्जंक्टिव मूड नहीं है ये अनरियल पास्ट नहीं है क्योंकि लॉयर ने मुझसे पूछा था एक्टिव वॉइस बनाओगे आई एम सॉरी, इसका जब डायरेक्ट नरेशन बनाओगे तो डायरेक्ट नरेशन बनेगा द लॉयर सेड टू मी भाई सोच लो एक बार इज इट वर्थ ब्लैंक स्पेस टू द कोर्ट क्या ये मैटर कोर्ट में ले जाने लायक है तो उसने मुझसे पूछा था क्या वो मैटर कोर्ट में ले जाने लायक था ये रियल केस है ये सब्जेक्टिव नहीं है अनरियल नहीं है हाइपोथेटिकल नहीं है, पास्ट इमेजिनेशन नहीं है तो पहली बात तो यहां पर वर नहीं आएगा यहां पर वाज लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर नेशन क्योंकि मैं हूं नहीं अगर मेरा जन्म 2004 में हुआ होता इफ आई वॉज बॉर्न की जगह वर बोर्न इन 2004, पर मेरा जन्म 2004 में नहीं हुआ और ना अब किसी भी कीमत पर हो सकता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बात भी नहीं करता ना मैं आपकी जगह हूं और ना आप किसी भी कीमत पर हो सकता वो पास्ट इमेजिनेशन है वो अनरियल सिचुएशन है वहां पर वर आता है पर ये तो रियल है ना लॉयर ने पूछा था जाना है कि नहीं जाना ले जाने है, ले जाने लायक है भी कि नहीं भी तो ये तो लिटरली उसने पूछा था मेरे से ये पास्ट सब्जेक्टिव नहीं है तो यहां पर वज आएगा और दूसरी बात वर्थ के साथ हमेशा आई फॉर्म लिखी जाती है इनफिनिट वर्थेंट वर्थ वॉचिंग वर्थ 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 डांसिंग, टॉकिंग, बाइंग ताजमहल देखने लायक जगह है तो ताजमहल इज अ प्लेस वर्थ वॉचिंग ये ड्रेस खरीदने लायक है दिस इज अ ड्रेस वर्थ बाइंग वर्थ टू बाय वर्थ टू वॉच वर्थ टू टेक नहीं होता तो उसने मुझसे पूछा ये मैटर ले जाने लायक है कि नहीं है इटीसी द लॉयर ऑज मी इफ इट वॉज वर्थ टेकिंग द मैटर टू द कोर्ट नेक्स्ट द गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट अ न्यू सिस्टम टू कॉम्पनसेट दो मार्केट प्राइस ये थोड़ा समझना पड़ेगा बैंकिंग में स्टेटमेंट्स हमेशा से अच्छे पूछे गए हैं आज 11 साल हो गए इस बात को 2010 में कभी ये पूछा गया था और सेंटेंस तब भी बहुत अच्छा है साधारण देखोगे समझ में भी नहीं आएगा क्या मिस्टेक है मुझे तो नहीं आ रही

उद्देश्य है फर्स्ट इन्फिनेटिव में द गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट न्यू सिस्टम सरकार एक नया सिस्टम लाना चाहती है क्यों टू कॉम्पेंसेट दो कंपनीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए उनका भला करने के लिए तो यह तो उद्देश्य है सरकार एक नई स्कीम ला रही है क्यों ला रही है जिससे उन कंपनीज का भला हो जाए कौन सी कंपनीज का कंपनीज अब यहां पर इंफिनेटिव का कॉलम नहीं है क्योंकि यहां पर कंपनीज का पर्पज नहीं दिखाना सरकार का पर्पज तो आ गया अब कंपनीज के बारे में आपको जानकारी देनी है कौन सी कंपनीज जो कि प्रोडक्ट्स को मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे बेचती हैं तो या तो एक काम कीजिए इस टू की जगह आप लिख दो बड़ा बढ़िया सेंटेंस बन जाएगा और सारी चीजें एक ही लाइन में आ गई द कंपनीज दिच सेल प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस वो कंपनीज जो मार्केट प्राइस से नीचे प्रोडक्ट्स बेचती हैं उनको थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करने के लिए सरकार एक नया प्रोजेक्ट नियम कानून लाना चाहती है द गवर्नमेंट इज वर्किंग आवर प्रपोजल अ न्यू सिस्टम क्यू टू कॉम्पनसेट दो विच सेल प्रोडक्ट बिलो द मार्केट प्राइस इसको सही करने एक और तरीका है एक काम करो सेल मत करो जो infinitive था टू सेल उसका पार्टिसिपल बना दीजिएगा द कंपनीज सेलिंग मार्केट सेलिंग प्रोडक्ट बिलो द मार्केट प्राइस ई टी सी कौन सी कंपनीज द कंपनीज विच आर सेलिंग पार्टिसिपल बना दो चल जाएगा बना दो, चल जाएगा। मत बनाओ, वो पर सेंस था ही नहीं सरकार एक नया सिस्टम लाना चाहती है कॉम्पेंसेट करवाने के लिए कौन सी कंपनीज जो के ऐसा करती हैं वैसा करती हैं उनका डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में बताया हुआ है जल्दी से स्लाइड को वापस देख लें मैं खाना खा रहा हूं बाद में बात करता लंच पॉसिबल है पर Man, uh, मेरे पास पेन हो रहा है हिंदी में भी सेंस नहीं रखता आई हो, होता तो हो जाता तो वर लिखना पॉसिबल है। पर यहां पर था नहीं वाज और बड़ी गलती हमेशा आई एनजी फॉर्म लिखी जाती है इन्फिनेटिव लगाइए दिखाते बहुत काम कर लेते हैं पर उससे बड़ी गलती वो गलती थी नहीं हम सॉरी एक वहां पर गलती थी कंपनीज कौन सी विच सेल प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस शिकायत है आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन चार मील तुम जैसे हट्टे कट्टे इंसान के लिए यंग इंसान के लिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी दूरी है कलेक्टिव नाउन चार मील को सिंगुलर प्लूरल आप हर तरह से बिहेव करा लेते हैं पढ़ाया था मैंने भी कलेक्टिव नाउन में आपने भी पढ़ा होगा अब ये बताओ प्रेडिकेट क्या दिखाना चाहता है तो चार मील रह गए हैं चार मील मील और बाकी हैं तो तो यहां पर प्लुरल सेंस आ सकता है पर तुम जैसे इंसान के लिए चार मील कोई चार किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है यार प्रेडिकेट दिखाना चाह रहा है कि उसको आपने कलेक्टिवली डिस्टेंस ट्रीट किया है और चाहे वो चार किलोमीटर की डिस्टेंस हो चाहे वो चालीस किलोमीटर की डिस्टेंस हो चार सौ किलोमीटर हो चार हजार किलोमीटर हो चालीस हजार किलोमीटर हो, हो प्रेडिकेट उसको डिस्टेंस ही ट्रीट करेगा और कलेक्टिव नाउन जब जब जुड़ी हुई होती है ब्रेड एंड बटर इज तो हमेशा सिंगुलर सेंस दिखाती है आई रिपीट अगर प्रेडिकेट होता के फोर माइल्स आर लेफ्ट तो चल जाएगा परंतु यहां पर वो थीम है नहीं चार मील आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस से बेहतर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ पर्सन लाइक यू ऐसे स्टेटमेंट्स कई बार पूछे गए हैं पूछे जाते हैं कि तुमसे दस किलो वजन नहीं उठता सॉरी यार अरे दस किलो वजन कोई वजन होता है क्या दस किलो वजन कोई वजन होता है क्या टेन के जी वेट या टेन के जीज कर लो फॉर एग्जाम्पल वेट में तो सिंगुलर सेंस दिख रहा है टेन के जीज इज नॉट अ हैवी वेट और समथिंग सच क्योंकि प्रेडिकेट दिखा रहा है वेट लिखा हुआ है पचास हजार रुपए रकम तो है यार पचास हजार ऐसा नहीं कह सकते कि रकम नहीं है अब रकम है तब भी रकम है पचास हजार और नहीं है तो नहीं है सिंगुलर सेंस है ना रकम कलेक्टिव सॉल्व पर चाहे वो पांच हजार की हो पचास हजार की हो पांच करोड़ की हो पचास हजार करोड़ की हो एटीसी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इज अज अमाउंट ऑफ मनी लार्ज सम ऑफ मनी पर रुपए उसको दे दिए दस हजार रुपए वहां खर्च हो गए हो गए अगर टेन थाउजेंड रुपीज वर स्पेंट लिखना होगा तो स्पेंट लिखा जा सकता है कलेक्टिव थीम होगी सिंगुलर सेंस में हमेशा लिखा जाता है टेन थाउजेंड रुपीज इज अर्ज अमाउंट ऑफ मनी फोर माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस आपकी मर्जी उसी थीम को बढ़िया टू थाउजेंड नाइन में क्राउन आर मोर ग्लैमरस टू सी देर वैसे यहां पर टू रत नहीं है इसकी पर ब्लंडर नहीं कहा जा सकता बहुत बड़ी गलती इसको बोला नहीं जा सकता मतलब राजा होना और मुकुट पहनना ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है मतलब हो जाए पॉसिबल सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता तो वही जो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में आपसे कहा ब्रेड एंड बटर मैं पढ़ा चुका हूं ब्रेड एंड बटर के साथ अगर आप कलेक्टिव थीम दिखाएंगे तो सिंगुलर सेंस आ जाएगा ब्रेड एंड बटर इज हेल्दी ब्रेकफास्ट इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट पर भैया ब्रेड देना बटर देना ये देना वो देना तो उस केस में ब्रेड एंड बटर आर भी लिखना पॉसिबल है यहां क्या दिखा रहा है राजा बनना और मुकुट पहनना सुनने में अच्छा नहीं लगता करने में अच्छा लगता है रियल देखने में अच्छा लगता है तो ये सब्जेक्ट आपका कलेक्टिव तो है टू वॉट टू बी किंग एंड वेयर इज मोर ग्लैमरस टू सी देन टू हियर टू बी किंग एंड टू वियर है, हाँ यहाँ दो चीजें अलग अलग होती हैं, ऐसा होना वैसा होना तो आर लिखना जायज था पर ये वही स्टेट है राजा बनना और मुकुट पहनना राजा बनकर ही आप मुकुट पहनेंगे तो कलेक्टिव तौर पर इस पूरी प्रोसेस को एक थीम की तरह देखा जा सकता है उस नाते उसे हमेशा सिंगुलर सेंस में ही इस्तेमाल करें टू बी अंग एंड वियर अ क्राउन इज मोर ग्लैमरस टू सी Than to hear. सुनने से बेहतर तो रियल में हो जाए राजा बन जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में क्या वो तो कहानी है डॉक्यूमेंट बिफोर ही लेफ्ट द जॉब बिड के साथ कई बार पढ़ा चुका हूं कि बिड के इंग्लिश में दो मतलब होते हैं एक वो होता है ऑप्शन बोली लगाना भाई पांच करोड़ और कोई सात करोड़ दस करोड़ ठीक है दस करोड़ में डन करते हैं एक वो बिड होती है बिडिंग बिडिंग आईपीएल से पहले होते हैं कही जाती है और एक बिड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए, के लिए कहना इनडायरेक्टली सेम ही होते हैं वो आप खड़े क्यों हैं जाइए ना यहाँ पर जाइए ना यहां से तो मैंने उनसे जाने के लिए कहा अरे खड़े क्यों आई आई आइए मैंने उनसे आने के लिए कहा मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए कहा मैंने उनसे फाइल ले जाने के लिए कहा I bade him submit all the documents, etc. इंग्लिश में bid के साथ let के साथ make के साथ, models के साथ हमेशा मैंने मॉडल्स में पढ़ा दिया था इन्फिनेटिव पढ़ा दिया था infinitives में पढ़ा दिया था, था। कोई नया हो तो उन वीडियोस को देख लेना आपको आराम से समझ में आ जाएगा हाल फिलहाल का सौदा क्योंकि इसको मैं खोल के नहीं दिखा सकता पूरा बिड लेट मेक Models, हैड बैटर वुड rather, इनके साथ हमेशा बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है तो आई बेड हिम गो He बेड मी पास उसने मुझसे जाने के लिए कहा आने के लिए कहा He बेड मी एंटर उसने मुझसे अंदर आने के लिए कहा He बेड मी सबमिट He बेड मी टेक द फाइल etc. उसने मुझसे फाइल ले जाने के लिए कहा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा etc. Bid के साथ वर्ब as a verb अगर दूसरी वर्ब आई तो बिना टू क्या आती है वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो आपको मिल जाएगी। करज इज एन इनर नो एनिमी कैन एवर डिस्ट्रक्शन मालवा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एग्जामिनेशन 2012 में पूछा गया था सर हमने तो ये नाम भी नहीं सुना हाँ आजकल होते ही नहीं है कलेक्टिवली आईबीपीएस में बहुत सारी बैंक्स आ गई हैं इस तरह से उन एग्जाम्स के थ्रू हो जाता है करेज इज एन इनर फोर्ट्रेस साहस यहां होता है कोई बाहर की चीज नहीं जिसको मार्केट से खरीदा जा सकता है और कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसको कोई दुश्मन कभी खत्म कर दे मिटा दे भगत सिंह एक नाम याद आया इस सेंटेंस को सुनने के बाद तो करेज इंसान का साहस एक ऐसी ताकत है उसकी एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको कोई एनिमी कभी भी नष्ट नहीं कर सकता भगत सिंह मैंने कहा ना मुझे दोबारा उन्हीं का फील हो रहा है करेज इज इन इनर फोट्रेस स्ट्रेंथ के तौर पर विच नो एनिमी कैन मॉडल एवर दिक्कत नहीं है मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब आती है, नाउन थोड़ी आती है आई कैन रवि मतलब आई कैन गो पॉसिबल है आई कैन स्विम पॉसिबल है वर्ब मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फेस्ट फॉर्म आती है नाउन थोड़ी आती है तो डिस्ट्रक्शन नाउन फॉर्म है इसी वीडियो में बताया था एक्शन सजेशन डिमोन्स्ट्रेशन तो तो no फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है इस स्लाइड को जल्दी से देखें चार मिल कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है यार फोर माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अंग पर्सन लाइक यू राजा होना मुकुट पहनना देखने में अच्छा लगता है सुनने के लिए तो बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है आप जा सकते हैं आ सकते हैं। आई सो है। so, एक घंटा इस वीडियो को हो गया होगा क्वेश्चन बहुत सारे हैं पर मैं इसी में फिनिश करूंगा लेंथ ज्यादा होगी तो मैं तीन वीडियोस तक नहीं ले जाऊंगा एक सेकेंड नेक्स्ट ही केयर उसने प्रॉपर ध्यान रखा है किस बात का टू कंप्लायंस विद द नॉर्म्स सो ही एक्सपेक्ट द प्रपोजल टू बी अप्रूव विदाउट डिले मैंने हर संभव प्रयास किया है जितने भी नियम कानून थे सबको फॉलो किया है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रोजेक्ट में कुछ भी डिले होगा बढ़िया है पर टू के साथ ये प्रपोज़िशन है नहीं यहां पर टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है इनफेटिव नाउन नहीं लिखी जाती आई रिपीट ये प्रपोशन है नहीं कंप्लाई विद होता है जिनको नहीं पता आप ध्यान रखिएगा जिनको पता है आपके लिए हा हाँ यही था आई हटना पड़ेगा यहां से कंप्लाई विद सी ओ एम पी एल वाई और उसके साथ विद जिसकी नाउन फॉर्म कंप्लायंस है अगर ये इंफिनेटिव नहीं होता यहां पर बनाने वाला सेंस तो फिर चल जाता बट आई हैव टेकन एवरी केयर मैंने बहुत ध्यान रखा है क्यों और किस चीज का ध्यान रखा है टू कंप्लाई ये ऐसे लिखा जाता है हमेशा जो हमने नियम कानून बताए हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसे चिपके रहना फॉलो करना लागू होना इन चीजों को ए डी एच ई आर टू अधर टू कंप्लाई विद इन अकॉर्डेंस विद वही सब फॉलो करने के तौर पर लेकिन अकॉर्डिंग टू लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस विद Comply with adhere to और ऐसी बहुत सी चीजें जो फॉलो करने का सेंस देती हैं टू के साथ नाउन फॉर्म नहीं चाहिए टू के साथ verb फॉर्म चाहिए टू प्लस to comply with the norms इसीलिए मुझे नहीं लगता मेरे प्रोजेक्ट को राजी होने में अलाव होने में एक्टिवेट होने में कोई भी डिले होगा द नॉर्म्स और टू प्लस वी वन हमेशा लिखी जाती है नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अन lessons. लेसन आपको मेहनत करनी चाहिए और आपको कभी भी फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए मैंने मॉडल्स पढ़ा दी है, है एक बार चेक कीजिएगा यूज ऑफ नीड और डेयर मॉडल्स अपने साथ में डायरेक्टली नॉट ले सकती हैं। मॉडल्स अपने साथ डायरेक्टली नॉट ले सकती हैं। यू नीड नॉट अब बोलने में किसी को लग रहा होगा ये लाइन सही है यू नीड नॉट टू वरी यू नीड नॉट टू वरी भाई उधर मॉडल रखकर देखना यू कैन नॉट शुड नॉट विल नॉट वुड नॉट ई टी सी और आपको लगता है कि विल नॉट के साथ टू प्लस वी वन आएगा आपको लगता है कैन नॉट के साथ शेल नॉट शुड नॉट के साथ टू प्लस वी वन आएगा रख के देख लीजिएगा यू शुड नॉट टू वेस्ट टाइम यू शुड नॉट वेस्ट टाइम यू कैन नॉट टू वेस्ट टाइम क्योंकि कैन मॉडल है शुड मॉडल है और उस कहानी के हिसाब से नीड यहां पर मॉडल है कैसे पता

थोड़ा वक्त दीजिएगा आई नीड सम टाइम अब यहां नीड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो ये मॉडल नहीं है ये साधारण वर्ब है पर जब नीड नॉट आया तो वो मॉडल है और मॉडल्स के साथ कभी भी टू प्लस तो नहीं लिखा जाता लिखी जाती है किसी को डाउट हो तो मॉडल्स के वीडियो चेक करना इसी प्ले लिस्ट में यूज ऑफ नीड एंड डेयर प्यार से आपको मिल जाएगा बहुत डिटेल में समझाया था तो यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम बकवास यू नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दीज लेस दी प्रेड That he may live long. उस ओल्ड लेडी ने प्रे किया कि कोई है जो भी उसकी उम्र बहुत लंबी हो अच्छी बात है may God bless you, आप प्रे किया था क्या पता कौन थी कब प्रे किया था तो ये मैं प्रेजेंट थीम कैसे लिखा दू मे लिव लॉन्ग दूसरी बात वो होता है ऐसे मे यू लिव लॉन्ग दोनों ही तरीके से गलत है तो इंडायरेक्ट न एक काम कीजिए मे का माइट कर दीजिए प्रेयर्स उनकी आ जाएंगी परंतु जब बात पास्ट की थी तब की बात में वो पहुंच जाएगा और कैन का शोर्ड का पास्ट टेंस में हम लोग वैसे ही नरेशन में कर देते हैं तो मे की जगह माइट थीम बढ़िया है विशन प्रेयर्स के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं पर चूंकि बात पास्ट की है तो मे की जगह माइट लिखना प्रेफरेबल रहेगा

और उसने विश किया प्रे किया बात पास्ट की है पास्ट में कुड मुड कर दीजिएगा तो मे का माइट हो गया अपनी जगह पॉसिबल है नेक्स्ट आई नो आई विल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस दिस वीक एंड विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर मी मुझे पता है कि मुझे इस हफ्ते ये शहर छोड़कर जाना होगा जो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है या बुरा होगा दैट वे सही तो लग रहा है आई नो आई विल बी कंपेल टू लीव दिस हाउस दिस वीक विच विल बी वेरी यही हमें लगता है हर एरर के पहले, अगर हमें बोल चाल वाली भाषा को स्ट्रिक्ट ग्रामर समझने की आदत अभी भी है और अगर आप ग्रामर को ग्रामर की दृष्टि से देखते हैं कि एग्जाम्स में बैठना है तो फॉर्मल चलना पड़ेगा तो चीजें नोटिस हो जाती हैं अरे यार आजकल तो आई के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं वो आप स्पोकन इंग्लिश में कीजिए लिखित भाषा आज भी आय के साथ विल की जगह शैल को प्रेफरेंस देती है मैंने कई बार कहा जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो फॉर्मल टोन फॉलो करते हैं और याद कीजिए अपनी स्कूल की एप्लीकेशन काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर थ्री डेज आपको नहीं लिखाया गया था आपने नहीं लिखा था I will be grateful to you for this act of kindness. I shall be grateful to you for this act of kindness. कई स्कूल्स में प्रेयर होती है एक एग्जाम्पल दिमाग में आ गया We shall overcome. कई लोगों को तो याद होगा हाँ यार हमारे यहां होती थी We shall overcome. आप तो स्पोकन इंग्लिश से वहां भी विल करवा दो We will overcome. वो अपनी जगह ठीक है भाई वो अपनी जगह ठीक है लिखित चीजें अलग हैं बोलचाल कैजल लैंग्वेज अलग है दोनों को अपना अपना रोल प्ले करने दीजिए बोलचाल में मैं नहीं कहूंगा आप आई शैल का इस्तेमाल करें कही आई विल पर लिखित भाषा आज भी वही खड़ी है और स्ट्रिक्टली फॉर्मल टोन में तो वही लिखना पड़ेगा कंपेल फॉर्मल शब्द है ग्रेटफुल थैंकफुल ये फॉर्मल शब्द है और इनके साथ आई विल नहीं किसी को जी अरे सर ये भी कोई है भाई आप चेक कर सकते हैं एटलीस्ट गूगल पे मिल जाएगी चेक कर लीजिएगा क्या करेक्शन है

और ये है आपको फॉर्मल फॉर्मल चलना होगा सो आई नो आई इसकी वजह से आई रिपीट अगर कोई और वर्ब होती casually, तो चल जाता पर compelled, obliged जैसे शब्दों के साथ हमेशा का ही प्रेफरेंस रखेगा। बुरा लगा, इंप्रूव कुछ सीखने को मेरी तरफ से मां ने दुआ की कि उसकी उम्र लंबी हो अच्छा पिछली स्लाइड में भी एक सेंटेंस था इस तरह का ही मे लिव लॉन्ग तो पास्ट में हमने माइट कर दिया पर ध्यान दीजिएगा ये इनडायरेक्ट नरेशन था आई रिपीट ये इनडायरेक्ट नरेशन है परंतु ये डायरेक्ट नरेशन है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास भी लगे हैं और आशा करता हूं जब हम दुआ करते हैं तो मे का इस्तेमाल मतलब बीच में नहीं आता पहले आता है मैं ये दुआ थोड़ी करूंगा गॉड मे ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ वो दुआओं के लिए मे हमेशा पहले आता है बीच में आ गया ना

डायरेक्ट नेरेशन में है, तो आप उसे बीच में डाल सकते हैं दुआ उसने की थी पर ये बात मैं आपको दुआ नहीं आपको बता रहा हूं तो डायरेक्ट नरेशन पॉसिबल है इन डायरेक्ट में हमेशा उसको इस तरह आई बिकम एडमिनिस्ट्रेटर वॉज नॉट लाइक्ड बाय माई पेरेंट्स एंड आवर वेल विशर्स ये वही कहानी है आई लाइक like सहवाग आई लाइक बैटिंग आई लाइक सहवाग बैटिंग तो मुझे सहवाग बैटिंग नहीं अच्छी लगती मुझे सहवाग की बैटिंग बहुत अच्छी लगती है जेर के पहले मैं कोई रूल नहीं रटवा रहा हूं पर सेंटेंस चाहता भी यही है सेंटेंस चाहता यही है मैं अभी हिंदी करके समझा दूंगा वैसे समझा दूंगा आई बिकमिंग बिकमिंग नहीं नाउन फॉर्म फॉर्म है वर्ब की आईएनजी स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसके पहले आपने प्रोनाउन लिखा है तो वो अपने पजिटिव केस में होना चाहिए तो आई बिकमिंग नहीं माय बिकमिंग मैं इसको ऐसे यहां लिख देता हूं माय बिकमिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर वॉज नॉट बाय पेरेंट्स मतलब मेरा ऑफिसर बनना माँ बाप को भी पसंद नहीं आया और हमारे वेल विशर्स को भी पसंद नहीं आया आया डजेंट मैटर मेरा ऑफिसर बनना उनको पसंद नहीं आया मैं ऑफिसर बनना नहीं मेरा सिलेक्शन उनको अच्छा नहीं लगा मेरी नौकरी उनको अच्छी नहीं लगी मेरा ऑफिसर बनना उनको बिल्कुल रास नहीं आया दैट वे जेरेंड्स के पहले पजिटिव एडजेक्टिव्स फॉर्मल टोन में तो लिखे जाते हैं और एग्जाम के स्टेटमेंट है विजया बैंक 2008 में पूछा गया था तो स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशंस में आपके पास अगर जेरेंड है तो उसके पहले प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है पॉसिबिलिटी आ जाती है कि आप पजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें बाकी हाँ आजकल एग्जाम्स ऐसे नहीं होते हैं कि हंड्रेड परसेंट ऐसा होगा एक बार सेंटेंस देख लेना अगर वो पजेशन चाहता है तो पजसिव केस लगाएं कई बार उसे पार्टिसिपल मानकर भी काम चला लेते हैं तो सेंटेंस दिखा देगा किसकी नीड आपको कहां पर है मेरा ऑफिसर बनना इन लोगों को पसंद ही नहीं आया माय बिकमिंग एन ऑफिसर वाज नॉट लाइकड बाय दीज दोज या जो आप कहना चाहें ठीक है क्विक रिकॉल फॉर्मल टोन है आज भी आई के साथ आई के साथ शैल का इस्तेमाल कीजिएगा कंपेल्ड ऑब्लिगेड जैसे शब्दों के लिए भगवान आपकी आयु लंबी करें मे गॉड ब्लेस यू वहां पर मे पहले आता है बीच में आ गया संभावना दिखा देगा वो और मेरा जाना उसका आना इनका बोलना पॉसिबल होगा ठीक है he purse, he could keep it very ये अच्छा स्टेटमेंट है मैं मॉडल्स में पढ़ा चुका हूं इस बात को कि इन दो सेंटेंसेस में फर्क है क्या आपको मुझे बताना चाहिए फॉर्म मी आपको मुझे बताना चाहिए यू शुड इनफॉर्म मी ये पॉसिबल है आपको मुझे बताना चाहिए यार तुम्हें मुझे बताना चाहिए था तुम्हें मुझे बताना चाहिए था इसका मतलब आपने बताया नहीं यू शुड हैव इंफॉर्म्ड मी यू शुड हैव इनफॉर्म्ड मी आपको मुझे बताना चाहिए था यू शुड है भी है डिफरेंस बिटवीन

इन सेंटेंसेस को लिखा जाता है जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट सुने होंगे मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड हम मेहनत करते तो पास हो जाते इफ यू वर्क्ड हार्ड यू वुड सक्सीड इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की और मेहनत की होती तो पास हो गए होते इफ यू हैड वर्क्ड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड हैव के साथ थर्ड फॉर्म कई बार उन चीजों को दिखाती है जो होना चाहिए था पर हुआ ही नहीं कुछ ऐसा यहां पर मेंशन है ही रिटर्न द पर्स आपको दिखा दिया है कि उसने पर्स वापस कर दिया हालांकि वो चाहता तो उसे रख सकता था पर उसने वापस कर दिया इसका मतलब उसने रखा नहीं तो उसकी एबिलिटी नहीं दिखा रहे वो काम जो पास में होना चाहिए था पर हुआ नहीं He could have kept it, ये कीप की जगह कैप्ट हो जाएगा वेरी easily। वो चोर था फॉर एग्जाम्पल उसने आपका पर्स चुराया और वापस कर दिया चाहता तो वो रख सकता था पर उसने आपको वापस कर दिया ही 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 रिटर्न द पर्स टू कीप इट इट कुड कुड हैव हैव अगर वो चाहता तो रख सकता था वेरी इजिली पर उसने आपको रिटर्न कर दिया हाँ अगर ये नहीं लिखा होता रिटर्न नहीं किया है पता नहीं वो चाहता रख लेता ही कुड कीप इट वो चल जाएगा मुझे क्या पता रिटर्न किया कि नहीं किया पर उसने जो काम नहीं किया होना चाहिए था पर नहीं हुआ हो सकता था पर नहीं हुआ उनकी हैव प्लस वी थ्री मॉडल्स के साथ स्ट्रक्चर फॉलो की जाती है आई रिपीट आपको मुझे बताना चाहिए प्रेजेंट टेंस में बताइए ना मेरे को यू यू शुड शुड डू दिस मी यार आपको जाना चाहिए था आपको जाना चाहिए था पर आप गए नहीं आपको यह सवाल तो सॉल्व करना चाहिए था ना पर आपने किया ही नहीं आपको मुझे फोन करना चाहिए था पर आपने किया ही नहीं यू शुड हैव डन दिस मी ईटीसी हैव के साथ जस्ट ओवर अ ईयर अगो policy makers were having ये जो भी भाई साहब हैं इनका मतलब थोड़ा गुस्सा होने से दिखा देते हैं थोड़ा गुस्सा होने के सेंस में आ जाता है हालांकि ग्रामर अलग-अलग है एंग्री एग्जीक्यूटिव है वो नाउन फॉर्म है मीनिंग के लिए एक्सप्लेन किया है सिर्फ एक साल पहले ज्यादा टाइम नहीं हुआ पॉलिसी मेकर्स वर हैविंग गुस्सा अबाउट चाइनास टम्बलिंग स्टॉक मार्केट्स एक साल पहले तो ये लोग गुस्सा कर रहे थे चाइना की मार्केट को देखते हुए लेकिन नाउ इट इज चाइनाज फ्रोथी प्रॉपर्टी मार्केट लेकिन अब चाइना की वो फ्रोथ फॉर्मेशन आपने सुना होगा बबल्स को कहा जाता है वो देखा है मेले में होता है वो हवा भरते रहते हैं यहां से तो बबल्स बहुत सारे निकलते हैं वो फ्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्लोथ एंड फ्रोथ शायद आपने सुना होगा और प्रॉपर्टी मार्केट में दिखाओ मार्केट में दिखाओगे स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट तो वो तो बबल की तरह उछाल आता रहता है गिरती रहती है उछाल आता है गिरती रहती है स्टॉक मार्केट के लिए कॉमन शब्द है तो ये एक साल पहले ये लोग गुस्सा कर रहे थे चाइना की मार्केट को देखकर और अब प्रॉपर्टी मार्केट इतना उछाल आ चुका है जिसमें कि अब उसके चक्कर में ये हो रहा है वो हो रहा है एटीसी नाउ इट्स चाइनाज ये वाली मार्केट जो के दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है इसके साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब कहां से इस्तेमाल कर लू दैट कॉजिंग वर इज नहीं या तो इंडेफिनेट डाल दो दैट कॉजेज पर वो में चला जाएगा पर ऐसा हो रहा है अब पिछली साल ऐसा नहीं हुआ पिछली साल ऐसा हुआ पहले ये लोग गुस्सा कर रहे थे पर अब तो कर कर रहे हैं। क्या कर रहे so क्या पूछा गया था आई रिपीट ठीक एक साल पहले लगभग पॉलिसी मेकर्स गुस्सा थे चाइना की टम्बलिंग गिरती हुई स्टॉक मार्केट को देखते हुए लेकिन अब जो चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट उठ रही है इसके चक्कर में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं घर पर बाहर यहां पर वहां पर ई द मार्केट विच इज कॉजिंग वरीज द मार्केट दैट इज कॉजिंग वरीज द मार्केट दैट कॉजिंग नॉन फाइनेट वर्ब नहीं आएगी अपने क्लॉज का वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट होने के नाते उसके पास खुद की वर्ब होना जरूरी है ठीक है मूव इन टाइम एक्सप्रेशन जितना भी हो चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं शी स्टोल समथिंग फ्रॉम माई रूम उसने मेरे रूम से कुछ चुराया एंड हेड इट से इन हर रीसेंटली गॉट साड़ी यह बहुत शानदार था देखिए ऐसे थोड़ी परफेक्शन की मूर्त हूं कि मुझे सब कुछ आता है इनमें से कई सेंटेंस मुझे भी नहीं आते थे जब ये सेट बनाए ढूंढे तो मुझे भी कई कई चीजें सीखने को मिली जिनमें से एक आपकी स्क्रीन पर है रीसेंटली गॉट साड़ी सो आई कान टेल यू

सिर्फ स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं मैं कि बोलचाल में चल जाता है एग्जाम्स में नंबर कटते हैं तो एंट हो गया इज नॉट एम नॉट आर नॉट डू नॉट नॉट दिखाने के लिए इनफॉर्मल शब्द है लिखित भाषा कभी इस्तेमाल नहीं करती उसके साथ आपने गॉड देखा होगा कई बार शी नो मनी सॉन्ग्स में खूब आता है बहुत कॉमन है इस गॉड का मतलब हैव के सेंस में होता है इस गॉट का मतलब हैव के सेंस में होता है मेरे पास पैसे नहीं है आई डोंट हैव मनी

हाल ही में साड़ी थी मेरे पास नहीं शायद हाल ही में मैंने एक साड़ी खरीदी थी और उसमें उसने छिपा लिया तो मैं नहीं बता सकता एटीसी गॉट का मतलब जब होने से है तब वो गॉट जाता है और गॉट का मतलब जब कोई चीज खरीदने हाल ही में बेचना खरीदना पाने से है आई रिपीट खरीदना पाना एक ही बात होगी इस तौर पर आई रिपीट अगर वो है आपके पास पहले से अच्छा है थोड़ा ध्यान से सुनना मैंने खुद के लिए कहा मेरे लिए नया था मैं इस वैरायटी को नहीं जानता था अगर गॉड का मतलब गॉट है साधारण तौर पर है तो वो होने से है आई डोंट मनी पर जब गॉट का मतलब रिसेंटली कोई चीज खरीदने से मिलने से पाने से है तब उसके इसमें गॉड की थर्ड फॉर्म गेट की थर्ड फॉर्म got नहीं जाती एक शब्द आपने कई बार देखा होगा शायद नोटिस नहीं किया होगा अमेरिकंस खूब यूज करते हैं गॉटन में जाती है g o t t e n जी हाँ आई रिपीट जब कोई चीज आपके पास है पजेशन तो उस केस में गेट का इस्तेमाल गॉट से हो जाता है पर जब वो चीज अभी-अभी आपको अभी से मतलब टाइम मत देखना जो आपको मिली है खरीदी है पाई है उस केस में है नहीं है तो गेट है गॉट है पर वो खरीदी है पाई है ड है उस केस में फिर गॉटन थर्ड फॉर्म और पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल की जाती है आई रिपीट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल की जाती है द साड़ी 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 गॉट नहीं gotten sari, और रिसेंटली गॉटन थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप नेचुरल टोन में जज कर रहे होंगे एक बार देखेगा ऐसे कई पार्टिसिपल होते हैं मैं इसका आंसर दे दू रिसेंटली ऐसे कई शब्द हैं जिनकी थर्ड फॉर्म अलग है और थर्ड फॉर्म वाले पार्टिसिपल्स अलग होते हैं मतलब अब ये थोड़ा एडवांस्ड हो गया एक बार पार्टिसिपल्स के चैप्टर में पढ़ना कोई अच्छी किताब आपको पढ़ाए तो कई शब्दों की जो थर्ड फॉर्म है ज्यादातर शब्दों की थर्ड फॉर्म ही पार्टिसिपल का, का काम कर लेती है बट कई शब्दों की थर्ड फॉर्म अलग है पार्टिसिपल फॉर्म अलग होती है जिनमें से एक आपके सामने है एक बार चेक कीजिएगा अगर ऑकवर्ड लगा हो तो क्योंकि मैं समझाऊंगा सेम बात वापस कहूंगा गेट का मतलब होने से है गॉट पार्टिसिपल चाहिए नाउन को मॉडिफाई करना है तो वो काम गॉटन करता है रिसेंटली मिलना पाना खरीदना उस तरह से ओइंग टू इल हेल्थ उसकी बुरी तबीयत के चलते ही विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन ही विल हैव टू लूज वन ईयर वो ये एग्जाम नहीं दे पाएगा इसका मतलब उसके एक साल बर्बाद हो जाएगी चली जाएगी खराब हो जाएगी ठीक है ओइंग टू इज इल हेल्थ ही विल नॉट बी एबल टू गिव एग्जामिनेशन मैंने पढ़ाया है इस बात को और दोबारा कह एज अ टीचर मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं आप लोगों के लिए कह रहा हूं और एग्जाम में आती है इस बात वेरीफाई करना और कई लोग जानते भी होंगे बच्चे एग्जाम देते नहीं है बच्चे एग्जाम लेते हैं इंग्लिश अलाउ नहीं करती गिव एग्जामिनेशन किसी स्टूडेंट के लिए और आप जज करो ना ऑनेस्टली मम्मी आज मेरा पेपर मैं पेपर देने जा रहा हूं आप क्या देते हैं वहां पर अपने स्कूल में ही आ जाओ वापस बड़ी बड़ी चीजें बाद में स्कूल में सर शीट सर ने आपको दिया बैठ जाइए चलिए अभी आपको पेपर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको टेस्ट पेपर देता है टीचर आपको टेस्ट पेपर देता है आप वो सारी चीजें लेते हैं ग्रहण करते हैं टेक ऑन द चैलेंज वो चैलेंज हम लोग स्वीकारते हैं कि आ जाओ सर क्या टेस्ट पेपर आपने बनाया है? देखते हैं आज बच्चा पेपर हिंदी में अजीब लगेगा लेता है लॉजिकली देखो आप सारे टेस्ट लेने जाते हैं सामने वाले ने बना रखा था आपने उन चीजों को लिया वो क्वेश्चन आपने दिया क्या था आंसर शीट दी थी पर टेस्ट तो लिया था लॉजिकली बहुत सही चीज है इंग्लिश और हिंदी रटने की जरूरत ही नहीं है तो इंग्लिश में गिव एग्जामिनेशन नहीं होता जो हम अपनी भाषा में बहुत कैजुअली बोलते हैं चलेगा इंग्लिश के हिसाब से बच्चा एग्जामिनेशन लेता है पर हिंदी में बोलते हैं मम्मी आज मेरा एग्जाम है मैं एग्जाम देने भोपाल जा रहा हूं एग्जाम देने दिल्ली जा रहा हूं हिंदी में हिंदी बोलिए पर अंग्रेजी में ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है तो बच्चे एग्जाम लेते हैं नया था तो इफ यू गेट गुड मार्क्स आई शेल जितने आप खुश हैं उतने खुश मैं हो जाऊंगा वो ठीक है खुश हो जाइए परंतु वही फॉर्मल टोन आई शेल पिछली स्लाइड में था लिखित भाषा आज भी वहीं खड़ी है और जरूरी भी है पर भाई सब तो होता है ना और शैल आपकी मॉडल वर्ब है और मॉडल्स मॉडल्स के के साथ साथ एडजेक्टिव थोड़ी आते हैं वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी है है अब अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो कोई भी उठा लाते जो लेती है, पर एडजेक्टिव्स कौन लेते हैं वो काम बी कर लेती है बी, ये सारी और नहीं आएगा. पहले देख लेते हैं. शी इज है इज हैप्पी दे आर हैप्पी आई वॉज हैप्पी सब चलेगा पर मॉडल आ गई तो मॉडल के चक्कर में फ्रेश फॉर्म आ जाएगी तो आई एम हैप्पी आई विल बी हैप्पी मैं खुश हो जाऊंगा अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आई शैल बी हैप्पीसी एक बार रिकॉल करते हैं इस स्लाइड को गॉट बहुत अच्छा शब्द था वर्ब की तरह इस्तेमाल करें थर्ड फॉर्म गॉट पर जब इसका पार्टिसिपल बनाना पड़े एडजेक्टिव बनाना पड़े तो वो काम गॉटन कर देता है बच्चे एग्जाम्स लेने जाते हैं हिंदी में अजीब लग रहा है हिंदी में वही बोलो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं पर वो लॉजिकली लेते हैं दे टेक टेक एग्जामिनेशन ऑन द चैलेंज टेक ऑन द टेस्ट टीचर इन विजिलेटर्स गिव और ऐसा कुछ भी तकरीबन तो डेढ़ घंटे का वीडियो तो बन चुका है अब मैं डिले नहीं करूंगा जिसको देखना होगा वो देखेगा दो सवा दो घंटे का वीडियो ये बनेगा क्योंकि मुझे 103 या 102 के आसपास क्वेश्चंस कराने थे और पिछले वाले सेट में हालांकि समझा तो मैं अभी भी रहा हूं मुझे लगेगा अगर टाइम ज्यादा हो गया तो मैं दो वीडियो बना दूंगा इसके परंतु ज्यादा डिले करना अच्छी बात नहीं है इसलिए एक ही वीडियो में कर लेते हैं जो बच्चे देखने वाले हैं वो आराम से देख लेंगे बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसे डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में दिया था हमेशा देता आया हूं वैसे ही डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट रखना चाहूंगा तो वीडियो की लेंथ मेजोरिटी के लिए तो मैटर नहीं करती शिकायत मुझे एक आप दो लोगों ने की है सर थोड़े बड़े मत बनाया करो तो भाई इंटरनेट के आने से और ये यूट्यूब फेसबुक के आने से चीजें आप माफी बट बहुत ज्यादा कम करते जा रहे हैं जो रिजल्ट नहीं दिलाती है स्कूल अपना याद कीजिए जहां पर आप सालों तक एक चीज को पढ़ते थे और मेहनत वहीं से बनती है एक्चुअल सिलेक्शन वहीं से होता है चलो देखते हैं टाइम को ध्यान रखते हुए अनलाइक दीज डेज आजकल जैसे नहीं ही एंजॉयड रीडिंग बुक्स मैंने कहा था एंजॉय के साथ हमेशा आई आती है है तो सही है नहीं होती तो यही गलती हो जाती ब्लंडर हो जाती एंड स्पेंड सम टाइम इन द लाइब्रेरी वेन ही वॉज यंग आजकल जैसे नहीं आजकल तो नौकरी लग गई बिजी हो गए पर जब छोटे थे ना तो he enjoyed reading books. उसको किताबें पढ़ना पसंद थी एंजॉय के साथ रीडिंग बुक्स एंड स्पेंड सम होगा कई बार और बहुत सारे टीचर्स से सुना होगा होता है मैंने नहीं बनाया पैरल जैसे मैथ्स में होता है वैसे भाषा में आई एस एम लगाकर एक प्रोसेस जिसका मतलब हो जाता है समान चीजें आई लाइक डांसिंग सिंगिंग स्विमिंग रैपिंग ई मुझे ये पसंद है वो पसंद है उनको लगा मुझे जगह यूटिलाइज करनी होगी तो वो ऑटोमेटिकली स्लाइड शिफ्ट हो गई आई लाइक डांसिंग सिंगिंग स्विमिंग रैपिंग ईटीसी सारी चीजें समान टोन में थी आई लाइक डांसिंग सिंगिंग आई एनजी आई एन जी आई एनजी ऐसा नहीं हो सकता आई लाइक डांसिंग सिंगिंग एंड टू रैप वो भद्दा हो जाएगा यहां भी वही ही इंजॉयड उसे पसंद था क्या रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना पसंद था और क्या पसंद था एंड तो एंड के पहले यहां पर आई एनजी फॉर्म है

पर वो पास्ट इंडेफिनेट में आ जाएगा मैं वहां पर गया आई वेंट देयर भाई साहब आपको वी टू तो अभी भी करनी पड़ेगी स्पेंड फर्स्ट फॉर्म है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती गलत बात पास्ट की है थीम पास्ट की है फिर गलत तो उन सब चीजों से अच्छा एक कॉमन पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ही एंजॉयड रीडिंग बुक्स ही एंजॉयड स्पेंडिंग सम टाइम इन द लाइब्रेरी जब हम लोग छोटे थे तो किताबें पढ़ा करते थे लाइब्रेरी में घूमते थे ये किया करते थे वो किया करते थे टीसी पैरल स्ट्रक्चर वर्ब में काफी काम आती है नेक्स्ट इन ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर ना हो सब्जेक्ट आएगा कॉमा वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड आप किसी से आशा नहीं कर सकते टू बी फंक्शन इफेक्टिवली बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस दिखाती है एक ही टोटका है बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसि वॉइस और आप क्या कह रहे हैं अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ना मिले तो वन कांट बी एक्सपेक्टेड यानी यू कांट एक्सपेक्ट वन टू बी फंक्शन एक्टिव वॉइस आएगा भाई आप आशा नहीं कर सकते कि कोई अपने काम प्रॉपरली करता आ रहा है अगर इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं तो मैं अपने काम प्रॉपर कर दूंगा अब आपने मुझे बताया ही नहीं है कि करना क्या है तो मैं प्रॉपर काम कैसे करूंगा काम मुझे ही करना है एक्टिव थीम सो ये पैसिव थीम हटा दीजिए वन कांट बी एक्सपेक्टेड टू फंक्शन इफेक्टिवली To function effectively, कोई मन में ये सोचे मेरी डाउट है मैं बोल दू सर ये भी तो पैसिव है इसको क्यों पैसिव से नहीं हटा रहे आप बिकॉज हम दूसरों से आशा रखते हैं hey, शाम तक फाइल चाहिए मेरे को शाम तक कंप्लीट करके दे देना सर कंप्लीट में कर दूंगा पर करना क्या ये तो बता शाम तक पूरी अरे सर इंस्ट्रक्शन तो दो करना क्या है कैसे करना है वो तो बताएंगे सो आई एक्सपेक्ट यू टू फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग बाय एंड ऑफ द डे ए इसका पैसे बन जाएगा यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस वर्क बाय ऑफ यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस वर्क ऐसे 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 तो one can't be expected. अगर आपने इंस्ट्रक्शंस ही प्रॉपर नहीं दिए हैं तो आप किसी से आशा नहीं कर सकते कि वो ढंग से काम करे काम करना उसी को ही है पर आशा दूसरा करेगा तो उसके लिए पैसिव है उसके लिए एक्टिव है कॉम्प्लेक्स ना हो बहुत साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश की है तो इन द एबसेंस ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस वन कैन नॉट बी इंस्ट्रक्शन टू फंक्शन इफेक्टिवली वन बी वनॉक्सपेक्टेड टू वर्क इफेक्टिवली किसी से आप आशा नहीं कर सकते कि वो ढंग से काम करेगा इट्स वेरी कोल्ड हियर बहुत सर्दी है यार आई शुड ब्रिंग माय क्लोथ्स बट आई बड़ा ये प्रेजेंट टेंस में है सर्दी बहुत है यार मुझे अपने ठंडे कपड़े लाने चाहिए तो ले आओ लेकिन मैं नहीं लाया अच्छा तो आपको लाने चाहिए थे क्यों नहीं लाए जैसे थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में हमने आपको समझाया था आ, ये कि वो चाहता तो आपके पैसे रख सकता था वो चाहता तो आपका पर्स नहीं लौटाता पर उसने लौटा दिया ऐसा कोई काम जो पास्ट में होना चाहिए था पर नहीं हुआ हो सकता था बट नहीं हुआ

मुझे ठंडे कपड़े लाने चाहिए थे आई शुड हैव और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रॉट कहा लिखू हाँ यहां लिख देता हूं आई शुड हैव ब्रॉट सच क्लोथ बट आई कुड नॉट आई डिड नॉट ई बहुत सर्दी है मुझे ऐसे कपड़े लाने चाहिए थे पर मैं नहीं लाया वो काम होना चाहिए था बट नहीं हुआ शुड डू दिस करना चाहिए शुड हैव डन दैट करना चाहिए था टेकिंग द टेस्ट ये बहुत सही है अभी अभी लास्ट लाइड में समझा ना टेकिंग लेते हैं देते नहीं है सीजीएल 2016 द टीचर गेव पासिंग ग्रेड टीचर ने उसको ठीक है पास कर दिया इस तरह से अब ये पार्टिसिपल है अब ये मिस रिलेटेड पार्टिसिपल है कैसे बिकॉज ये फिर से नॉन फाइनाइट है टेकिंग द टेस्ट टेस्ट लेकर टेस्ट लेते हुए EDC. कोई बात नहीं बच्चा बेचारा टेस्ट ले रहा था तो टीचर ने उसको पास कर दिया नहीं टीचर सब्जेक्ट है और बींग अ रेनी डे का सब्जेक्ट मैं हूं आए दिस 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 और टीचर टेस्ट ले नहीं सकता फिर गड़बड़ टीचर टेस्ट नहीं ले सकता दूसरी बात अब आप कहोगे सर यहां गिव कर दो टीचर टेस्ट दे तो सकता है हाँ टीचर टेस्ट दे देगा पर नंबर किसी और को मिल रहे हैं द टीचर गेव मी अ पासिंग ग्रेड टीचर ने मुझे पास कर दिया तो टेस्ट टीचर ने नहीं दिया टेस्ट मैंने दिया है

टेक मतलब फ्रैक्शन यही चेंज होगा बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं कर रहा हूं मैं। जब मैंने टेस्ट दे दिया था हिंदी में दे दिया था इंग्लिश में ले लिया था टीचर ने मुझे पास कर दिया जब मेरा टेस्ट हो गया था उसके बाद टीचर ने कॉपी चेक की और मुझे पास कर दिया था टीचर टेस्ट देगा परंतु मैं टेस्ट, टेस्ट लूंगा। और टेस्ट में पास में हुआ हूं इसका मतलब पक्का टेस्ट मैंने ही दिया है तो आफ्टर आई हैड टेकन द टेस्ट दीचर गेव मी अग्रेड

हम लोग कभी वहां रहते थे पर अभी तो हम लोग मुंबई में सेटल हो चुके हैं डुवेल इंग्लिश में वर्ब होती है रहने को ही कहा जाता है रिसाइड को ही कहा जाता है लिव के तौर पर कह सकते हैं और आई लिव इन डेली आई लिव्ड इन डेली आई यूज टू लिव इन डेली मैं रहता था एक्टिव वॉइस में जाएगा मैं हिंदी नहीं बोल सकता क्या मुझे रहा करता था बनेगा पैसिव क्यों लिख रहे हो प्लस वी थ्री और रहता मैंने आई लेवन एम पी आई लिव इन इंडिया इसका पैसिव कैसे बनाओगे तो मैं रहता हूं तो रहता हूं अभी हम लोग दिल्ली में रहते हैं मुंबई में रहते हैं एक्टिव थी मैं ना तो उसको भी एक्टिव में रखिए वंस वी लिव्ड

रियली सॉरी टू लर्न मुझे ये जानकर थोड़ा दुख हुआ माफी चाहूंगा दैट अ रीजनेबल मैन लाइक यू एक अच्छे इंसान ने आप जैसे अच्छे इंसान ने एज लेन टू मी मतलब नॉन सेंस हिंदी बनेगी मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर ये जानकर कि आप जैसा अच्छा इंसान मेरे ऊपर लेटा है नॉन तीन फॉर्म होती हैं कई बार डिस्कस की लाए झूठ बोलना जो इस सेंटेंस की थीम जा रही है आप जैसा अच्छा इंसान मेरे से झूठ बोल सकता है मुझे तो विश्वास नहीं हुआ सेकंड फॉर्म लाइड थर्ड फॉर्म लाइड सेम एक और होती है लाइड जिसका मतलब लेटना है हाँ इसको यूटिलाइज कर लेने दो जिसकी बट बाद में बैक करने में दिक्कत आएगी चलिए जिसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती है लाए सेकेंड फॉर्म ले थर्ड फॉर्म लेन जो वो लेटने वाला सेंस दिखाया था वहां पर एक और वर्ब फॉर्म होती है ले अरे भाई नहीं चाहिए मेरे को एक और वर्ब फॉर्म होती है ले लेटाना ट्रांजिटिव जिसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती है लेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है लेट आई रिपीट लाए मतलब लेटना सॉरी लाई मतलब झूठ बोलना सेकेंड फॉर्म लाइट थर्ड फॉर्म लाइड मतलब लेटना कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता इसके साथ उसको वैसे काम कर ले दो अच्छा काम कर रहा है मैं यहां खड़ा हो सकता हूं वैसे यही ऑटोमेशन है सेकेंड फॉर्म ले, लेटना सेकेंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म लेन हो जाती है जो वहां लिखा हुआ है और एक ले फॉर्म है लेटाने के तौर पर रखने के तौर पर सेकेंड फॉर्म लेड थर्ड फॉर्म लेड में जाती है अब मुझे बैक करने में टाइम लगेगा माफ कीजिएगा तो थीम क्या है आप देख लीजिएगा मुझे बहुत जानकर दुख हुआ बुरा लगा कि आप जैसा अच्छा इंसान रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लेन टू मी तो ये नॉनसेंस चला जाएगा लेन मत करो काम करो यहां पर लाइड कर दीजिएगा आप जैसे अच्छे इंसान ने मुझसे झूठ बोला है पीपल लाइक यू यू अ पर्सन लाइक हैज लाइड टू मी झूठ बोलने के तौर पर लेटने लिटाने का यहां पर कोई भी सेंस नहीं है कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स में से सबसे बढ़िया पेयर यही है एक बार ध्यान रखेगा प्लीज दोबारा उसी की एरर आ गई lied ऑन द ग्रास Lied का मतलब झूठ बोलना होता है और वो घास पर लेटा हुआ था तो लाइट थोड़ी आएगा अब वो आ जाएगी पर थर्ड फॉर्म थी सेकंड फॉर्म चाहिए ग्रास फॉर आवर्स the, the cool ब्रीज जो ठंडी ठंडी महक आ रही थी उसको एंजॉय करते हुए काफी समय तक घास पर लेटा रहा ही सॉरी बी हॉरेबल ही ले ऑन द ग्रास ले क्यों लेड क्यू नहीं क्योंकि लेड इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब है ऑब्जेक्ट होना कंपल्सरी है और मेरे पास आगे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट है जिसको ऑकवर्ड लगे भाई ढंग से पढ़ना मैंने अपने वीडियोज में पढ़ा दिए कॉमनली कंफ्यूज वर्ड में से ये और इस जैसे बहुत सारे वर्ब की प्ले लिस्ट का सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं सॉरी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वीडियो में ऐसे सारे शब्दों को दिखाया था कि देयर की स्पेलिंग से प्रॉपरली पढ़ सकते हैं थर्ड तो फॉर्म ले, लेन ले फर्स्ट फॉर्म है लिटाना रखना किसी चीज को ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लेकर आएगी सेकेंड फॉर्म लेट थर्ड फॉर्म लेट तो उसने मुझसे झूठ बोला था और वो घास पर लेटा हुआ था The boy was trembling with anger. बच्चा गुस्से में बिल्कुल कहाँ प्रहात था? When she drowned all his books and articles. ऐसी तो कोई एरर मुझे भी नहीं दिख रही। The boy travelling, the boy was trembling with anger when she drowned all his books and articles. The little I remember, no error है ये। ठीक है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है कि हर चीज़ perfect है। जितना मुझे याद है ये sentence, no error ही है। तो ऐसी कोई मिस्टेक मुझे भी नहीं दिख रही छोड़ना ही बेहतर होगा एक बार वापस चेक कर कर पर था, से, जब किसी ने, कोई ये मत कर देना, कि boy के साथ, क्यों लिखा है सर? अरे बच्चा में है अपने ऊपर थोड़ी गुस्सा करेगा जब किसी ने उसकी किताबें सामान को पानी में डुबा दिया गुस्सा इसीलिए मुझे आ रहा है When she drowned all his books, बच्चे की किताब है आर्टिकल किसी और ने डुबा दी है तो वो गुस्से में था ठीक है नो no एर है तो नो एर नो ऑब्जेक्शन एक बार स्लाइड को फिनिश करते हैं जल्दी से पहले हम लोग वहां पर रहते थे एक्टिव वॉइस है हम लोग ही रहेंगे इसका पैसिव भी नहीं बनेगा तो एक्टिव वॉइस में रखिए जबरदस्ती पैसिव नहीं ये कंफ्यूजिंग पेयर मैंने कई बार समझा दिया एक बार देख लीजिएगा लाए ले और ले के तौर पर लाए लाए और ले के तौर पर सेम एरर वहां थी और नई है एरर तो नहीं है जबरदस्ती क्यों हम बना सकते हैं Next, he does nothing but to find fault in others and laugh at them. कुछ नहीं करता वो वो दूसरों की बस गलतियां ढूंढता रहता है उन पर हंसता रहता है Fine. ये थोड़ा सा grammatical है अगर किसी को याद है तो उसने रटा भी होगा डू नथिंग बट के साथ मैं भी चलो यही कह देता हूं डू नथिंग बट के साथ हमेशा v1 लिखी जाती है टू प्लस वी वन नहीं लिखी जाती आई रिपीट डू नथिंग बट के साथ हमेशा v1 आती है इसका रीजन ये है यहां पर वही पैरेलल स्ट्रक्चर है कि डू डज डिड के साथ आगे कभी भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म या टू प्लस वी वन नहीं आ सकता छोटा सा एग्जांपल ही डज नॉट अगर मुझे लिखना पड़े सेम सेंस में बीच में कुछ भी आ जाए तो मैं ये लिख दू ही नॉट To like me. He does not liked me. He does not liking me. I I I repeat ये वही टोन है वही थीम है वही ग्रामर है और directly books में रूल लिखा होता है Do nothing but के साथ हमेशा वीवन आती है Two plus वीवन नहीं Example है वो विवन किसके लिए है Does के लिए है Did के लिए है, है। यहाँ पर did भी आ सकता है He did nothing but find fault in others तो वहां फाइंड रहेगा फाउंड मत कर देना पास्ट टेंस समझ के बिकॉज़ डू नथिंग डिड नथिंग डज नथिंग के साथ हमेशा v1 आती है जैसे डू के साथ हमेशा v1 आती है टू प्लस v1 नहीं लिखी जाती है. तो ही डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट इन अदर्स एटसी तो कुछ नहीं करता बस दूसरों की गलतियां निकालता रहता है उन पे हसता रहता है डू नथिंग बट के साथ हमेशा v1 लिखी जाती है एक अच्छी एरर है ध्यान रखिएगा प्लीज द पुलिसमैन वेंट अवे अपेरेंटली कन्विंसिंग बट ही डिड नॉट फील सेफ एट ऑल दो तरह से गलत कहा जा सकता है एक्टिव वॉइस आईएनजी वाली थीम में बन जाते हैं किसी और से भी बन जाते हैं पर पैसिव थीम हमेशा थर्ड फॉर्म से बनती है द पुलिस मैन वेंट अवे पुलिस वाला वहां से चला गया अपेरेंटली कन्विंसिंग कन्विंसिंग एक्टिव थीम दिखाएगा और कन्विंस करना मनाना किसको आपके पास ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है मैं अच्छे वेरिएशन ही लेकर आया हूं वो बार बार एक ही एरर नहीं करा सकता कि ही गो टू स्कूल में बताओ क्या गलती है थोड़ा ब्रेन आपको भी यूज करना पड़ेगा इन डिस्टिंक्शन को देखने के लिए आई रिपीट टॉप हंड्रेड क्वेश्चन जो मुझे लगे हफ्तों ढूंढ ढांड कर जो आपके लिए लेकर आ पाया हूं तो आई होप सो कई लोगों के लिए बेहतरी होगा अच्छे वेरिएशन आपको दिखा पाऊं द पुलिस पैन वेंट अवे अपेरेंटली कन्विंसिंग कोई दिक्कत नहीं है पर उसने कन्विंस अगर किया शी वाज कन्विंसिंग क्या हर पेरेंट्स वो अपने मां-बाप को मना रही थी तो कन्विंसिंग के पास पहली बात तो यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं पर आगे थीम भी दिखाना चाहती है लेकिन उसको सेफ बिल्कुल फील नहीं हुआ उसको बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हुआ तो प्रोबेबली एक्टिव थीम में नहीं आएगा ये पैसिव थीम में आएगा पुलिस वाला वहां से कन्विंस होकर चला गया पर उसको सेफ फील नहीं हो रहा था कन्विंस्ड कर दोगे पैसिव वॉइस में आ जाएगा और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आते ही नहीं है ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के जस्ट बगल में आई इनवाइटेड हिम पैसिव नहीं बनेगा ही वॉज इन्वाइटेड मी जस्ट बगल में उसके ऑब्जेक्ट नहीं आता प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आता है ही वॉज इन्वाइटेड बाय मी I requested him. He is requested. I request you. You are requested by me. तो एक्टिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है पैसिव थीम लिखने से वैसे ही काम चल जाएगा तो द पुलिसमैन वेंट अवे अपेरेंटली कन्विंस्ड वो बेचारा कन्विंस होकर वहां से चला गया पर उसको सेफ तो तब भी फील नहीं हो रहा था कन्विंसिंग करोगे एक्टिव थीम आएगी ट्रांजिटिव वर्ब है ऑब्जेक्ट लेकर आएगी ऑब्जेक्ट बगल में है नहीं उसने किसको कन्विंस किया हां मैं कन्विंस होकर यहां से चला तो गया पर फिर भी मेरे को सेफ फील नहीं हो रहा था स्ड कर दीजिए थीम एक्टिव की नीड भी नहीं है ग्रामर भी गलत है object भी आपके पास नहीं है. He went away, convinced. वो होकर चला गया, परंतु बाद में उसको ऐसा लगा, वैसा लगा, वैसा स्कूटर कुछ स्लाइड पहले एक सेंटेंस था जहां पर नीड के साथ टू प्लस वीवन थी इफ एम नॉट रॉन्ग आस पास यही था कहां चला गया जी नीड के साथ जहां पर नॉट लगाकर और मैंने कहा आपसे नीड नॉट मतलब ये मॉडल वर्ब है शुड नॉट कुड नॉट कैन नॉट विल नॉट वुड नॉट और मॉडल्स के साथ टू प्लस वी वन नहीं आती पर जो अब स्टेटमेंट है उसमें कोई मॉडल नहीं है एक बार जज कीजिएगा माय ब्रदर थिंग्स मेरे भाई को लगता है दैट समबडी मस्ट हैव यहां पर मस्ट क्या है तो मस्ट तो मॉडल ही होती है मस्ट के पास और क्या काम होते हैं आ आ आ गया मॉडल्स मॉडल्स के के साथ आ गई, have के साथ आ गई गई थर्ड फॉर्म और की कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती कि कि मॉडल में कभी ऐसी, ऐसी नहीं लगती विल will का विल्ड कर दिया कि का should कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं होता तो मॉडल आ गई ना अब मस्ट के साथ हैव है हैव के साथ थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म मॉडल वर्ब्स की नहीं होती साधारण वर्ब्स की होती है और चूंकि यहां पर डेयर साधारण वर्ब है तो उस केस में स्टील डायरेक्ट नहीं आएगा फिर उसके इसमें टू आ जाएगा सर ये बिल्कुल समझ नहीं आया आई रिपीट नीड और डेयर मार्जिनल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल का भी काम करती हैं, साधारण वर्ब का भी काम कर लेती हैं। जब नीड को मैंने आपको समझाया था तब भी एग्जाम्पल दिया था मुझे थोड़ा वक्त दीजिए आई नीड टाइम आई नीड सम टाइम उस केस में नीड साधारण वर्ग थी मॉडल नहीं थी बिकॉज इसके साथ ऑब्जेक्ट था इसका वैसे ये नजरिया तो हम यहां भी लगा सकते हैं आई डेयर डेयर यू टू गो देयर हिम्मत कैसी है है तुम्हारी वहां जाने की तो उस केस में के पास ऑब्जेक्ट और मॉडल्स के साथ कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता आई कैन यू आई शुड यू आई विल यू हो ही नहीं सकता अब ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ थोड़ी ना बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो मॉडल्स के साथ आती है आई शुड डू दिस यू शुड गो देर आई विल डू दिस ई टी सी और मॉडल नहीं है तो फ्लैट वी वन नहीं लेगी फिर उसके इसमें इस साथ टू प्लस वी वन आ सकती है अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लेना जब आप ये सेंटेंस कहेंगे आई नीड टू गो देर हाँ यार मेरे को वहां जाना तो पड़ेगा आई नीड टू गो देर आई हैव टू गो देर ये टेक्नोलॉजी के हमारे अलग परेशान हालांकि वो सही है उसको लगता है अगर मार्जिन चाहिए आपको इधर तो वो खुद से स्लाइड को घुमा देता है बट कभी कभी ऑकवर्ड होता है बाद में वापस आना पड़ेगा आई नीड टू गो देर मुझे वहां जाना है इस केस में नीड एक ऑर्डिनरी वर्ब है मॉडल नहीं है क्योंकि मॉडल्स के साथ टू प्लस वी वन नहीं मॉडल्स के साथ वी वन लिखा जाता है सेम यहां पर डेयर मॉडल नहीं है मॉडल होगी तो वी वन लेकर आएगी पर आगे तो ऑब्जेक्ट है और मॉडल नहीं है तो फिर आप एक काम कीजिए टू प्लस वी दे दीजिएगा सो टू स्टील द स्कूटर लिखना जायज होगा अगर मॉडल होती तो उस केस में डायरेक्टली स्टील द स्कूटर आ जाता पर वो तो मॉडल तो मस्ट है वो थर्ड फॉर्म में है किसी भी कीमत पर मॉडल वर्ब नहीं हो सकती शिकायत है आप डिस्कस कर सकते हैं फिर भी जल्दी से रिकॉल कर दूं डू नथिंग बट डज नथिंग बट डिड नथिंग बट इसके साथ हमेशा वी वन आती है बिकॉज डू डेड कॉम्बिनेशन के साथ हमेशा वी वन लिखी जाती है वो पुलिस वाला वहां से कन्विंस होकर चला गया परंतु ऐसा हुआ वैसा हुआ ही पैसिव अगर ही वॉज कन्विंसिंग वो मना रहा था किसको ऑब्जेक्ट आपको आगे लिखना पड़ेगा और नीड और डेयर मॉडल ऑक्सिलरी भी है मार्जिनल ऑक्सिलरी भी है मॉडल्स हैं तो वी वन दे दीजिए साधारण है तो टू प्लस वी वन काम चला सकता है नेक्स्ट रिवर्स इन बिहार है लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस बिहार की बहुत सारी नदियां अपने लेवल से ऊपर बह रही हैं और कई गांव को डुबा चुकी हैं। यार देखने में तो सही लग रहा है आई नो वीडियो की लेंथ टू आवर्स के आसपास हो जाएगी या हो चुकी होगी अभी तक हो गई वैसे तो शायद और पर मैं हां पंद्रह मिनट में कोशिश करूंगा इन सारे क्वेश्चन को करा के फिनिश कर दूं इसको तो नेक्स्ट वीक आपको एडवर्ब्स के वीडियो मिल जाएंगे जो बहुत सारी कॉमेंट्स और लोगों की डिमांड्स है मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार है एक शब्द होता है ओवर और इसको ना लिखकर एक शब्द लिखता हूं फ्लाइड उड़ना फ्लो बहना ओवर ऊपर से बहना की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लाय फ्लू थर्ड फॉर्म आई रिपीट फ्लाय उड़ना फ्लू एन ईगल फ्लू ओवर माई हेड और थर्ड फॉर्म चली गई फ्लोन ये फ्लाय की फॉर्म है और नदी बिहार में उड़ रही है तो बिहार फिर जाना पड़ेगा और कभी बिहार में नदियां उड़ती हैं नॉन हो जाएगा तो ये तो इंपॉसिबल है उड़ना नहीं होगा शायद वो ओवरफ्लो कर चुकी है ऊपर बह रही है उस लिमिट से और ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म ओवर फ्लोड जाती है एन वाली थीम से नहीं बनती तो करेक्शन वहां पर अच्छा ये भी होता है क्या यार ये सही था जिसको नहीं पता था नोटिस करना डिक्शनरी से वेरीफाई कीजिएगा उसके बाद देख लीजिएगा ओवरफ्लो और ओवर फ्लाई जैसी थीम में मैं रख दू तो फ्लाई उड़ना है हम सब जानते हैं सेकंड फॉर्म फ्लू थर्ड फॉर्म फ्लो में जाती है जबकि ओवरफ्लो वो एक लिमिट से ऊपर बहना फ्लो के तौर पर करंट का फ्लो कहते हैं नदी का बहाव फ्लो कहा जाता है जिसकी थर्ड फॉर्म फ्लो नहीं होती फ्लोड में जाती है तो नदी है उड़ नहीं सकती नदी एक लिमिट से ऊपर बह सकती है और फ्लो की थर्ड फॉर्म फ्लोड से बनती है एक बहुत कॉमन लाइन है कई बार देखिए मैंने आप प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम्स में कॉमन स्टेटमेंट्स रिपीट होते रहते हैं हो सकता है आपको यह लिखा मिल जाए कहीं पर चलिए वी एडवाइज हिम टू मैरी हिज डॉटर भैया ऐसा एडवाइस किसी को मत दीजिएगा क्या बकवास है हमने उनको एडवाइस किया ये वर्ब है वर्ब के साथ आते हैं सब्जेक्ट हो गया हमने उसको सलाह दी कि अपनी बेटी से शादी कर लीजिए क्या नॉनसेंस है हम उसको ऐसी सलाह क्यों देंगे कि आप अपनी बेटी से शादी कर लीजिए मैरी और डॉटर से शादी करना विल यू मैरी मी विल यू मैरी मी क्या आप मुझसे शादी करेंगे एक्टिव वॉइस में एक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट है विल यू मैरी मी क्या आप मुझसे शादी करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए यहां पर हमने उनको सलाह दी कि बेटी से शादी कर लें टू मैरी जाएगा। तो अपनी बेटी की शादी कर लीजिए नहीं बेटी की शादी करा दीजिएगा और आपको याद हो इसी स्लाइड में एक बार बताया था वो लेटर हमें भिजवाना है गेट द लेटर सेंट अगर याद होगा शायद टाइम खराब ना करूं तो जल्दी से पहुंच जाऊं गेट द लेटर सेंट शायद दूसरा तीसरा कोई सेंटेंस था इन्हीं स्लाइड्स का ये रहा वी मस्ट सेंड दिस लेटर कह दोगे तो हम भेजने जाएंगे जो उसमें मैरी और डॉटर था वी मस्ट सेंड दिस लेटर ये लेटर हमें भेजना है आई हैव टू सेंड अ लेटर आई मस्ट सेंड दिस लेटर तो मैं भेजूंगा And marry your daughter. I marry my daughter. तो वो तो मैं बेटी से शादी बकवास हो जाएगी क्या नॉनसेंस है उससे अच्छा लेटर भिजवा दीजिए बेटी की शादी करा दीजिए सेंस कहा जा सकता है तो सेम थीम में जाएगा गेट मैरिड सुना होगा गेट मैरिड शादी कर लीजिएगा तो गेट माई मैरिड बेटी की शादी करा देंगे तो करनी नहीं है शादी करानी है एंड दैट विल बी अंस जो लिखा हुआ था तो वी एडवाइज हिम टू मैरी हिज टू गेट पूरा सेंटेंस रिफ्रेंस हो जाएगा मैं पूरा हटाई देता हूं यहां से यहां लिख रहा हूं मैं टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू गेट हिज डॉटर मैरिड बेटी की शादी करवा दो विल बी अ पॉसिबिलिटी बेटी से शादी कर लो बिकॉज उसकी उम्र हो गई है बोलने लायक ही नहीं ठीक है ऐसी भी अरर आती है हाँ जी ऑल द कैंडिडेट विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे तीन बार पढ़ चुके इसी सीरीज में बच्चे टेस्ट देते नहीं है बच्चे टेस्ट लेते हैं तो टाइम सेव करने के लिए इससे तो मैं आगे बढ़ जाता हूं कई बार समझा दिया इसी वीडियो में बच्चे टेस्ट देते नहीं लेते हैं मिसेस गुप्ता वुड रादर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी इंग्लिश में जो देन है प्रपोजिशन कंजंक्शन जो भी काम करता है ये भी पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करता है आई रिपीट इंग्लिश में देन भी पैरल टोन फॉलो करता है छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं फॉलो करता हूं ग्रामर दिखाने के लिए यार तुम्हारे साथ जाने से अच्छा तो मैं सोना पसंद करूंगा तुम्हारे साथ जाने से अच्छा तो मैं सोना पसंद करूंगा आई वुड स्लीप देन गो विद यू आई वुड राधा स्लीप देन गो विद यू तो आई वुड स्लीप वुड मॉडल है मॉडल के चक्कर में फर्स्ट फॉर्म आ गई तो देन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी यहां भी वही है मिसेस गुप्ता रादर स्पेंड इवनिंग वो शांति पूर्वक अपने घर पर रह जाएगी पार्टी वार्टी में नहीं जाती वो तो वुड के चक्कर में वुड रादर के चक्कर में यहां पर विवन है तो पैरेलल टोन के नाते देन के साथ भी जो आएगी वो विवन होगी तो यहां से अटेंडिंग का आई एन जी हटा दीजिए हाँ किसी भी कारणवश अगर वहां पर आई एन जी होती तो यहां पर आई आती पर वहां आई आ नहीं सकती सर आई एनजी कर लो भाई वो वुड के बाद है मॉडल model और मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहां फर्स्ट फॉर्म है यहां फर्स्ट फॉर्म आ गई जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिमाग में आया समझा दू बेहतर शायद डाउट ना हो एक सेंटेंस था जहां पर टू प्लस वी वन टू प्लस वी वन दो बार था मैंने कहा ये रिडेंडेंट है जरूरत नहीं इस चीज की ये लिखा हुआ है जज कीजिए पर वो अच्छा भी था टू सी टू हियर ही धन लगा हुआ टू सी दे टू हियर बिल्कुल सही लिखा है ये इधर जो आएगा देन के पैरल टोन के नाते वही उधर जाएगा तो यहां इन्फिनेटिव था टू प्लस वी वन बगल में इन्फिनेटिव आ गया वहां पर बैर इन्फिनेटिव था बिना टू के वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि मॉडल्स बिना टू के वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लिखती हैं तो बिना टू के वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आई एनजी होती तो आई एन जी आ जाती जो होगा सो देन के साथ हमेशा पैरल थीम में चला जाएगा कोई शिकायत है आप लिख सकते हैं ओवरफ्लो ऊपर बहने के तौर पर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगकर बनती है नदियां उड़ नहीं सकती फ्लाई फ्लू फ्लोन में जाता है इसके साथ साथ बेटी से शादी करना आई कॉन्ड इवन स्पीक सच लाइन्स शादी करवा दीजिएगा गेट योर डॉटर मैरिड गेट द लेटर सेंट उस तरह से बच्चे टेस्ट देंगे बच्चे टेस्ट लेंगे इंग्लिश में स्टूडेंट्स विल टेक दिस संडे और देन के साथ हमेशा पैरेलल पार्टिसिपल्स, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। सेम रहना चाहिए। Next, much harassed, he left the hostel bag baggage. अच्छा एक चीज़ याद रखना, वो हॉस्टल बैग छोड़ के आ गया बैगेज छोड़ के आ गया सामान के आ गया ये एडवर्ब है डू समथिंग bag and baggage ये एडवर्ब है इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर बांधकर अब निकल लो यहां से बोरिया बिस्तर जो हिंदी में इस्तेमाल करते हैं बोरिया बिस्तर बांधकर वो इंग्लिश में होती है बैग एंड बैगेज तो ही लेफ्ट द हॉस्टल है बैग एंड बैगेज सब सामान वामान लेकर एडवर्ब दिखाना चाहती है उसको हॉस्टल बैग मत कर देना हॉस्टल का कोई बैग नहीं होता सेंटेंस तो सही लग रहा है अभी 7 साल पहले सीरियल ने पूछा इसको मच हराज काफी परेशान हो गया था बेचारा इसीलिए होस्टल बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिया सही तो है क्या गलती है गलती ये है हराज भी एडजेक्टिव है परेशान हो गया था अनोयड बॉदर्ड ईटीसी जरा इसको पुअर मान लीजिए कोई दूसरा एडजेक्टिव जरा इसकी जगह रिच मान लीजिए कोई दूसरा एडजेक्टिव क्या आप सेंटेंस ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं रिच कॉमा ही डिड दिस पुअर कॉमा ही डिड दिस या फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं बीइंग रिच पैसे वाला होने के नाते वो ऐसा है गरीब होने के नाते वो ऐसा है और अपना रोज का आ जाएगा इसी में अ रेनी डे बारिश वाला दिन होने के नाते हाँ वही वही जिसमें इट लगाना पड़ता है तो आप डायरेक्टली इनसे स्टार्ट नहीं कर सकते कोई नॉन फनेट वर्ब लेके आओ ना उससे बना दीजिएगा बींग पुअर मैं तो ये कह देता हूं वो गरीब है उसके बावजूद भी लोगों की मदद करता है डिस्पाइट बींग पुअर ही हेल्प दी अदर्स डायरेक्ट एडजेक्टिव से सेंटेंस मत स्टार्ट करो कोई फ्रेज क्लॉज पार्टिसिपल ऐसे कहानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं आई रिपीट डायरेक्टली हरास्ड मच हरास्ड कर दोगे तो डायरेक्ट मैं फिर पुअर और रिच सेंटेंस स्टार्ट करूंगा जो नहीं होता बींग पुअर कॉम ऐसा ऐसा बींग रिच एक रिच होने के नाते बींग द बेस्ट स्टूडेंट इन द कॉलेज कॉलेज का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट होने के नाते ऐसा हुआ वैसा हुआ तो बींग मच हरास्ड ही लेफ्ट द कॉलेज एटीसी जब इसकी फाइनाइट बनाओगे तो ही वॉज अब तो बी की फाइनाइट फॉर्म आ जाएगा ना ही परेशानी परेशान हम्म ही ही परेशान परेशान मच इसीलिए ही लेफ्ट द कॉलेज बैग एंड बैगेज बहुत ज्यादा परेशान हो गया था इसीलिए परेशान होने के नाते वो कॉलेज छोड़कर ही चला गया हॉस्टल छोड़कर चला गया द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन टू हंड्रेड ट्रीज किसी के मन में हो स्पोकन इंग्लिश नो लेस देन तो भाई साहब यह सही है क्योंकि आगे काउंटेबल नाउन है टू हंड्रेड ट्रीज और काउंटेबल के साथ में फ्यू का इस्तेमाल करते हैं लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है यादें याद हैं फ्यू ऑफ यू दूजेक्टिव मुझसे या कहीं से भी आप पढ़े और लिटिल अ लिटिल द लिटिल तो फ्यू अ फ्यू द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल अ लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं यहां भी वही है तो वो तो सही लिखा है फ्यूअर देन दो सो ट्रीज रिकाउंटेबल है फ्यूअर सही फिर गलती क्या है तो मैंने पढ़ाया है इसी चैप्टर में फॉल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है गिरना यार हेयर फॉल हो रहा है बाल अपने आप हाँ गिरते हैं गिराए नहीं जाते सेकंड फॉर्म फेल थर्ड फॉर्म फॉलन एक और वर्ब होती है फेल फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फेल्ड ईडी थर्ड फॉर्म फेल्ड गिराना वॉटर एग्जाम्पल fall, fall है पानी अपने आप गिरता है। बाल अपने आप को नहीं आता उनको पर मैं क्या करूं उसने गिरा दिया मेरे को धक्का मार के गिराने के लिए फेल फर्स्ट फॉर्म होती है सेकेंड फॉर्म फेल्ड थर्ड फॉर्म फेल्ड में जाती है वर्कर्स प्लूरल सब्जेक्ट है फेल वर्क फॉर्म है ट्रांजिटिव वाली क्यों क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है गिराना क्या गिरा दिए पेड़ गिरा दिए छह घंटे के अंदर दो सौ पेड़ काट के गिरा दिए क्यों भाई लेकिन बात पास्ट की हो रही है सही है, है? सेंटेंस में कोई गलती नहीं है द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन टू हंड्रेड ट्रीज जो वर्कर्स हैं वो दो सौ से कम नहीं लगभग दो सौ के आसपास पेड़ गिराते हैं अब ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा पर आगे थीम दिखा रही है छह घंटे के अंदर अंदर ऐसा हुआ एंड देयर बाय शोड देयर एफिशिएंसी आपको दिख रहा होगा सेंटेंस पास में है और चूंकि ये पास्ट पास्ट में में है तो मेरे को इसको भी पास्ट में ले जाना पड़ेगा। छह घंटे के अंदर अंदर दो सौ पेड़ काट दिए अपनी दिखा रहे थे और पास्ट में फेल की फॉर्म जाती है फेल्ड जिसको अजीब लगे ट्रस्ट कीज़े या फिर पेड़ गिराए थे पेड़ गिरे नहीं थे और पेड़ों से जब पत्तियां गिरती हैं तो फ्रीली फॉलिंग कहा जाता है लीव पत्तियां गिर रही हैं पर पेड़ गिरे नहीं थे गिराए गए थे ट्रांसटिव का इस्तेमाल करें इन ट्रांसटिव का इस्तेमाल मत कीजिएगा जज एवरी थिंग इन द लाइट ऑफ वॉक जज करो अगर जज यहां पर एज इट इज लिखा जाए तो ये नाउन तो है नहीं जज सुप्रीम कोर्ट वाले क्योंकि बगल में एक प्रोनाउन भी है और नाउन प्रोनाउन साथ में आएंगे नहीं तो फिर ये पक्का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हे गेट आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना सेंटेंसेस आदेश कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन ए जज एवरीथिंग हर चीज को जज करो किसको जज करें जो कुछ भी सामने आ जाए नहीं आए तो नहीं है वैसे तो आगे जा रही है जो बेचारे अपील जिन्होंने की थी दोनों ही पार्टीज के उन्होंने कहा नहीं एक सेकंड माफी मुझे कुछ अलग दिख रहा है जज एवरीथिंग इन द द द लाइट ऑफ ऑफ व्हाट बोथ पार्टीज हैड सेड हां सही हूं मैं आगे फिर लिखा है द जज नया सब्जेक्ट केम टू द कंक्लूजन दैट द केस वाज फॉल्स अब अगर यहां पर जज है ऑर्डर तो फिर वो वाला जज क्या कर रहा है मैं जज को ऑर्डर नहीं दे सकता दूसरी बात बीच में कंजंक्शन भी नहीं है के इस सेंटेंस के साथ उस सेंटेंस को जोड़ लिया जाए तीसरी बात दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस है नहीं गेट आउट एंड लीव उठ जाओ चुपचाप और बाहर जाओ यहां से दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस है पर यहां पर यह पर इंपेरेटिव है दूसरा इंपेरेटिव है नहीं कंजंक्शन है नहीं गड़बड़ घोटाला क्या करें एक काम कीजिए वही पार्टिसिपल वाली कहानी सारी बातें सुनते हुए समझते हुए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जज ने फैसला सुनाया कि ऐसा है वैसा है जजिंग एवरी थिंग इन द लाइट ऑफ वॉट द पार्टीज हेड सेड हर चीज को जज करते हुए ध्यान में रखते हुए कि पार्टीज ने क्या कहा दोनों ने जज ने फाइनली अपना सपना सुनाया ओ, सपना कह रहा हूं फैसला सुनाया सॉरी रात के ढाई बज रहे हैं सपने ही दिखेगा और क्या जज यहां पर सब्जेक्ट है और इस पार्टिसिपल को रिलेट कर सकता है द जज आफ्टर जजिंग बोथ द पार्टीज जो कहा था उन्होंने केम टू द कंक्लूजन के ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है आप उसको अगर इंपेरेटिव सेंटेंस मानोगे जज एवरीथिंग हर चीज को जज करो फिर वो थीम में मैच नहीं हो पाएगा जज ने अपना फैसला सुनाया तो जो दोनों पार्टीज ने कहा था उन सारी चीजों को जज करके जजिंग एवरीथिंग इट इज सीन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट बींग रेनी डे ही डिड दिस 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 वो मेन सब्जेक्ट है हालांकि वो अपना रोल यहां प्ले कर लेगा द जज आफ्टर जजिंग एवरीथिंग

मेरे पास वर्ब है और मेरे पास ऑब्जेक्ट भी है तो इस केस में फिर मैं ट्रांसटिव यूज करूंगा फेल्ड कह दीजिएगा और सारे सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह ये फैसला ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि ऐसा 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 सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पार्टिसिपल जज करो वर्ब नहीं है वो वहां पर पार्टिसिपल बना दीजिए ठीक है दस बार और हैं फिनिश करते हैं इनको व्हेन शी एंटर्ड द रूम जब वो कमरे के अंदर पहुंची तो उसे पता चला कि द चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली बच्चा था वो सो रहा था अच्छा अच्छा चाइल्ड स्लीपिंग के साथ या तो वीवन या फिर ing आती है आई सॉ हिम कमिंग मैंने आपको आते हुए देखा आई सॉ हिम गोइंग मैंने आपको जाते हुए देखा तो जब वो कमरे के अंदर पहुंची उसने बच्चे को पाया सोते हुए और पंखे को फिर वही पैरल स्ट्रक्चर बच्चे को सोते हुए पाया और पंखे को घूमते हुए पाया मूविंग सेम थीम में आई लव डांसिंग सिंगिंग स्विमिंग रैपिंग ईटीसी आई रिपीट व्हेन शी एंटर्ड द रूम जब वो कमरे के अंदर पहुंची शी फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग बच्चे को सोते हुए और पंखे को चलते हुए पाया अगर यहां स्लीप लिखा होता तो वहां पर मूव लिखना जायज रहता शी फाउंड शी फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग एंड द फैन

अगर ये हटा दिया जाए तो नो no एरर है फिर एरर किस बात की उसी के चक्कर में पास्ट की बात है कैन का फुड कर दीजिएगा जब हम लोग यंग थे तो हम लोग भी तैरने जाते थे ये करते थे वो करते थे आजकल नहीं जा पाते पास्ट के चक्कर में फुड कर दिया अ लाइन लिव्स इन अ फॉरेस्ट शेर जंगल में रहता है क्या हाँ जंगल में तो रहता है पर यह क्या है फिर वॉज अ लाइन लिव्स इन अ फॉरेस्ट शेर जंगल में रहता है वॉज लॉयली served बाय अब ये वॉज कहां से आ गए एक सेंटेंस में बिना कंजंक्शन के दो फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकती तो ये तो शिकायत का सौदा है फिर क्या करें तो पार्टिसिपल बना दो पार्टिसिपल होते हैं किसी के लिए अ लाइन कौन सा लाइन लिविंग इन अ फॉरेस्ट जो कि जंगल में रहता था जंगल में रहता हुआ शेर कोई होगा शेर वहां पर वॉज लॉयली served बाय जकाल शकाल दैट यूज टू कंपनी द लाइन वेर इट वेंट जंगल में रहते हुए भी उस शेर को लॉयल तरीके से कोई फॉलो करता था सर्व करता था उसके साथ जाता था जहां जहां वो जाता था लिव्स वर्ब है फाइनाइट वाज वर्ब है फाइनाइट और दो साथ में फाइनाइट वर्ब्स नहीं आ सकती एक को नॉन फाइनाइट बना दीजिएगा बी का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसका बिगाड़ लेते हैं कंपनीज कौन सी डूंगस दिसन कौन सा forest, this, 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 this. मैंने आपको पढ़ते हुए आपके भाई को खेलते हुए पाया आई फाउंड यू स्लीपिंग एंड द फैन मूविंग जब हम लोग छोटे थे ये कर लेते थे पास्ट की बात है पास्ट में कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा दो फाइनेट वह बनी सकते एक नॉन फाइनेट बना दीजिए सही है क्रिमिनल विल सर्टनली बी हंग पहले वीडियो में एक सेंटेंस था जहां कपड़ों की बात थी शायद मुझे सेंटेंस याद नहीं है वहां पर उल्टा था यहां पर उल्टा है. क्रिमिनल को आपको जब फांसी पर लटकाना है मैंने पढ़ाया था एक ही वर्ब होती है हैंग जिसके दो फॉर्म चेंज हो जाती है, hang की होती है एक तो हैं फॉर्म बनती है हंग एच यू एन जी जो यहां पर लिखी हुई है एक इसकी फॉर्म बनती है हैंग्ड फांसी पर लटकाना यह होता है कहीं भी कपड़े जो आप लटका देते हैं वो साधारण तौर पर और दूसरा हो जाता है फांसी पर लटकाने के तौर पर और क्रिमिनल है तो उसको कपड़ों की तरह वहां तो नहीं लटकाऊंगा तार पर कहीं भी या अलमारी में कहीं भी ऑब्वियसली इसको फांसी पर लटकाया जाएगा उस कॉन्टेक्स्ट में हंग ना होकर फिर हैंग थीम जाती क्रिमिनल विल बी हैंग्ड क्योंकि ऐसा ऐसा वैसा वैसा जो भी आप कहना चाहिए be अगर ये कपड़ों की बात होती सामान की बात होती पिक्चर सीनरी लगाने की बात होती तो वहां पर हंग आ जाता और क्रिमिनल केस में फांसी पर लटकाने को हमेशा हैंगड से इस्तेमाल करते हैं हैंग्ड टू डेथ ही सीटेड इन दिस एग्जामिनेशन थ्राइस एग्जाम में बैठने को सीट तो साधारण बैठ बैठ जाए, जाए, जाए सीटेड प्लीज सिट डाउन तो उसके लिए फिर सीट नहीं कहा जाता शायद पता होगा एग्जाम में बैठने को अपियर कहा जाता है एस एस सी का एग्जाम दिया है सर मैंने तीन बार दिया है आई अपियर इन दिस एग्जामिनेशन सुना होगा कैंडिडेट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन कोई एडमिट कार्ड पर नहीं लिखा होता कैंडिडेट्स वो भी सीटिंग इन दिस एग्जामिनेशन सीट तो बिठाना होता है हमने उसको कंडक्टर ने हम हमें सीट दे दी आगे वाली सीट दी थी पीछे वाली सीट दी थी और एग्जाम में सीट से क्या फर्क पड़ता है एग्जाम में हमने तीन बार दिया है दो बार दिया है अपियर करने के सेंस में आता है तो ही अपियर बट ही ऑलवेज नेवर टू इट सीरियसली जो भी उसकी मर्जी हो वो तो तीन बार इस एग्जाम में बैठ चुका है मैंने तीन बार एस दिया है मैंने दो बार बैंक एग्जाम दिया है उसने चार बार यूपीएससी दिया होगा ही अपियर इन दिस एग्जामिनेशन Every student appearing in this this, examination has to do this, has to to do do that, etc. Exam mein ko appear कहा जाता है। Sitting और बैठने से फर्क नहीं पड़ता है Propose मतलब होता है proposal, अपने विचार किसी के सामने रखना मत देना प्लान आइडिया किसी को बताना सजेस्ट करने के तौर पर तो सर मैं तो बस ये कहूंगा कि आप ऐसा कर लो किसी मीटिंग में जब आप प्रपोज करते हैं कुछ भी वो शादी वाला प्रपोजल नहीं है हालांकि वहां भी यही होता है अपने व्यूज आप किसी के सामने रखते हैं तो सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा मैं तो यही प्रपोज करूंगा कि आप लोग इस तरह से काम करें ऐसे करें हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए प्रपोजल सजेशन के तौर पर जाता है ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स उसने अपने दोस्तों को सलाह दी दैट दे विल ज्वाइन दिस कंपनी कि वो कंपनी ज्वाइन करेंगे अरे जब सलाह दी है प्रपोज किया है अपने विचार उनके सामने रखे हैं कि ऐसा ऐसा कर लो तो बेहतर होगा तो वो थीम विल से नहीं, वो हमेशा शुड से आती है सर सर समझ नहीं आ रहा कुछ भी कौन से एग्जाम की तैयारी करें कौन सी किताबें पढ़ें कुछ बता दो आई सजेस्ट आई प्रपोज अपने विचार आपके सामने रखता हूं कि आप इस तरह अपनी मेहनत करें आपको मेहनत करनी चाहिए आपको पढ़ना चाहिए पेशेंस रखना चाहिए ए आप पेशेंस रखेंगे ये मेरा सजेशन कैसे हो सकता है तो जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं अपने विचार किसी के सामने रखते हैं प्रपोज वो सजेशन के तौर पर आता है सामने वाले को वो काम करना चाहिए वो करेगा कि नहीं करेगा मेरे को क्या पता मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं प्रपोज कर सकता हूं शिकायत है आप पूछेंगे हैंग एक वर्ब है जिसकी दो फॉर्म बन जाते हैं एक तो लटकाना फांसी पर हैंग्ड और साधारण कपड़ों को सीनरीज को लटकाने के लिए हंग का इस्तेमाल करते हैं बहुत कॉमन है ध्यान रखिएगा एग्जाम में बैठने को अपियर कहा जाता है और प्रपोजल सजेशन के तौर पर है जिसमें शुड से आप सलाह दे सकते हैं होगा ना होगा वो सामने वाले पर है प्रोबेबली दो स्लाइड्स और ढाई घंटे के आसपास मुझे लग रहा है शायद हम पहुंचने पर हैं इवन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस साठ साल के बावजूद भी साठ साल की आजादी के बावजूद भी सर सत्तर साल हो गए ना आजादी को तो भाई मुझे क्या पता कोई 2008 में पूछा गया था सेंटेंस कोई 1988 में पूछा मैंने तो सारे दिखाए थे अब 2008 में तो वही हुए होंगे ना 60 साल के आसपास आज 2021 में आपको वो दिख रहा है तो ये चीज भी एक अच्छी दिमाग में आ गई ये जीएस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ये एरर डिटेक्शन है इसमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखनी है जीएस जज मत कीजिएगा ये भी एक अच्छी लाइन दिमाग में आ गई सर यह गलत है ना साठ साल कैसे हो सकते हैं सत्तर साल हो गए साल हो गए भाई ये सेंटेंस कैट ने 2009 में पूछा आईबीपीएस में 2012 में आया था एस 2015 ने पूछा सीजीएल 17 में आया था तो हर बार वो डेटा ही चेंज करते रहेंगे उनका एग्जाम्पल है किसी व्यक्ति विशेष से रिश्ता नहीं रखता इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं तो हजार दो में थोड़ी हुआ था 2004 में हुआ था, कभी भी हुआ वो कभी किसी specific point की बात वैसे भी हुआ साल की आजादी के बावजूद भी सत्तर साल की आजादी के बावजूद भी लाखों लोगों के पास सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है ये काम की चीज आ गई यार मैंने कहा था मैंने कहा था कि एक सेंटेंस में है कुछ ऐसा वो बहुत पीछे चला गया याद है दिस इज दैन यू वर लुकिंग फॉर ये वही पेन है जिसको आप ढूंढ रहे थे दिस इज दिटी आई यूज टू लिव इन ये वही शहर है जहां पर मैं रहा करता था आई लिव इन दिस सिटी तो यहां भी तो वही है। मेरे पास बिस्तर नहीं है हिंदी सोने के लिए सही है पर वी डोंट स्लीप बैड उसका ऑब्जेक्ट उसके पहले लिखा हुआ है वी स्लीप ऑन बैड और आजकल के बेड्स के लिए इन बेड भी कहा जा सकता है प्रपोजिशन लगा दीजिए ये बहुत common error है. The poor have no to sleep, impossible. सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन में अच्छा लगेगा. मतलब गरीब नीड मतलब ज़रूरत है, मतलब बिस्तर स्लीप मतलब सोना बिस्तर की जरूरत है गरीब को सोने के लिए पर ग्रामेटिकली गलत है स्लीप ट्रांसटिव वर्ब नहीं स्लीप इन ट्रांसिटिव है और वी डोंट स्लीप बेड स्लीप ऑन या फिर इन बैड हम लोग बिस्तर पर सोते हैं ना कि बिस्तर सोते हैं आवर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो यह बच्चों वाली कहानी है पता होगा लेट मी टू ग्रो लेट मी गो लेट के साथ तो कभी भी टू प्लस वी वन नहीं आता तो लेट मी जो भी उसका ऑब्जेक्ट है गो देट मी डू दिस लेट्स गो लेट के साथ हमेशा बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है चाहे बीच में ऑब्जेक्ट हो ना हो लेट के साथ इंग्लिश में टू प्लस वी वन एग्जिस्ट करती नहीं है आई रिपीट लेट के साथ इंग्लिश में टू प्लस वी वन आ ही नहीं सकती तो लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो ही लेट मी गो ही लेट अस गो एनीथिंग सच लेट हमेशा बेर इन्फिनेटिव बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड काफी मेहनत करता है so that, ये सो ही है. जब मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा अभी लाइव जो लोग देख रहे हैं अभी तो नहीं पढ़ा है भाई तो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे और जो लाइव के बाद में देख रहे हैं प्लेलिस्ट में देखना आपको हंड्रेड भी मिल, जाएं। 100 मिल जाएंगे एक आध साल के अंदर अंदर तो एक आध साल के अंदर अंदर क्योंकि यूट्यूब मैंने किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए स्टार्ट नहीं किया था दिन भर क्लासेस होती है टीचर हूं जब फ्री होता हूँ तब ये क्वालिटी कॉन्टेंट्स में लगाकर वीडियो अपलोड कर देता हूं तो हाँ शायद साल लग जाए या तीन चार छ तीन चार महीने के आसपास में आपको मिल जाएंगे जो लोग लो लाइव देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लेना तो सो so दैट का का है वी मे लिव भी पॉसिबल है वी ईट दैट वी मे लिव भी पॉसिबल है तो ही वर्क हार्ड वो काफी मेहनत करता है सो so दैट जिससे कि शुड प्लीज हिज मैनेजर हां गया क्या गलत है हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह पाए कोई हंड्रेड परसेंट मतलब ऐसा ही प्रमाणित है क्या कि खाते रहेंगे तो कभी मरेंगे नहीं हमेशा जिंदा रहेंगे उद्देश्य दिखाने के लिए पर्पज दिखाने के लिए सो दैट का इस्तेमाल भी करते हैं और मैं जल्दी उठा ताकि पहली ट्रेन पकड़ पाऊं पर अगर आप जल्दी उठ गए हैं तो पहली ट्रेन मिल जाएगी

हिंदी करना जरा जो लिखा था उसकी या मीनिंग समझना हिंदी मतलब जो सेंस आएगा उसका ही वर्क हार्ड वो काफी मेहनत करता है जिससे वो उसे मैनेजर को लुभाना चाहिए वो काफी मेहनत करता है ताकि मैनेजर को लुभा पाए हा मैनेजर तब भी खुश हुआ मोगैम्बो खुश हुआ नहीं हुआ कंपल्सरी नहीं है फॉर्मल टोन में सो so दैट की पेयरिंग मे के साथ होती है और किसी भी मॉडल के साथ नहीं आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में कैन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि मे और कैन सेम थीम दे देती है शुड विल नहीं आ सकता मैंने पैसे बचाए थे ताकि नया फोन खरीद पाऊं मैंने पैसे बचाए थे ताकि नया फोन खरीद लूंगा नो सेंस जाता है फॉर्मल टोन अलाउ नहीं करेगी सो so दैट की पेयरिंग हमेशा मे के साथ करें फॉर्मल 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 चल जाए काम तो कैन और कुड कर लो पास्ट हालांकि यहां पास्ट नहीं पास्ट नहीं वर्क है मुझे लगा माइट तो नहीं हो जाएगा

ताकि पहले जा पाऊं जल्दी पहुंच पाऊं ऐसा हो जाए पर होगा ना होगा हंड्रेड परसेंट कंपल्सरी नहीं तो शुड वहां पर नहीं लिखा जाएगा सेकेंड लास्ट लाइन एमिनेंट जर्नलिस्ट एक्सप्रेस हिज हेल्पलेसनेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी एमिनेंट जर्नलिस्ट जो अच्छा खासा जिनको एक्सपीरियंस था महान थे एक तरह से जर्नलिस्ट थे उन्होंने थोड़ी मजबूरी जताई अपनी सेमिनार को बनाने में जो कि यूनिवर्सिटी में होना था वी डोंट मेक सेमिनार्स आई वी ज्वाइन वी अटेंड और वी ऑर्गेनाइज अ सेमिनार और वी डिलीवर जब मैंने सेमिनार दिया है तो आई डिलीवर्ड अ स्पीच

इज द सेमिनार थीम दिख रही है कि उसको थोड़े बेचारे को मजबूरी फील हुई अपनी हेल्पलेसनेस फील हुई उसने एक्सप्रेस की बिकॉज जहां पर यूनिवर्सिटी में सेमिनार होना था वहां पर वो उसको ऑर्गेनाइज नहीं करा पाया होगा इसीलिए शायद उसने माफी मांगी मजबूरी फील कराई एटीसी तो कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक है ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं ग्रामर सब बढ़िया है सबके साथ सबकी चीजें लगी हुई है बट ही एक्सप्रेस ऐसा ऐसा इन ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार क्योंकि वो सेमिनार ऑर्गेनाइज नहीं करा पाया जो होना था यूनिवर्सिटी में वो नहीं हो पाया तो उसने थोड़ा दुख व्यतीत किया क्योंकि वो काम नहीं करवा पाया मेक द सेमिनार का कोई सेंस नहीं बनेगा ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चन इन द क्लास भाई थोड़ा पेशेंस तो रखो बीच बीच में आप डाउट पूछेंगे तो डिस्टर्ब होगी क्लास वो सब ठीक है कई बार पढ़ा दिया राइज एक वर्ब होती है जो इन ट्रांसिटिव है द सन राइजेज इन दस्ट और एक वर्ब है रेज जो ट्रांजिटिव है रेज योर हैंड टीचर बायडमी एज वेल आप क्लास के बीच में बच्चों से आ, बच्चों से नहीं मैं एजुकेटर हूं तो मुझे बच्चे ही दिखते हैं आप क्लास के बीच में एज अ स्टूडेंट टीचर से अपनी डाउट पूछ सकते हैं रेज योर हैंड जैसे ऑफलाइन क्लासेस में चलता था वैसे ही तो रेज योर हैंड रेज योर हैंड्स रेज द वॉल्यूम रेज योर वॉइस रेज हमेशा ट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट लेकर आएगी तो he rose many questions, अब ही रोज मैनी क्वेश्चन अभी सब्जेक्ट है राइज की सेकेंड फॉर्म होती है रोज जो इन है द सन राइजेज द ईस्ट नहीं होता द सन राइजेज इन ईस्ट जाता है तो राइज वहां पर इन है और आपने ऑब्जेक्ट दे रखा है ही रोज मैनी क्वेश्चन तो रोज मैनी क्वेश्चन नहीं आएगा ही रेज many क्वेश्चन विल बी दी आंसर

ऑब्जेक्ट है मेनी क्वेश्चन तो ट्रांसिटिव चाहिए और राइज ट्रांसिटिव नहीं होती वो काम रेज कर लेती है पास्ट में है कर दीजिएगा वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स वापस ही नीड्स नॉट क्या आगे पढ़ना ही नहीं है वैसे तो कम लिखा है सही लिखा हुआ है वापस वही शब्द है नॉट लगा दिया आपने और नॉट लगता है ऑक्सिलरीज के साथ इज नॉट एम नॉट आर नॉट नॉट

वो सेमिनार जो यूनिवर्सिटी में होना था नहीं करा पाया नहीं ज्वाइन कर पाया नहीं अटेंड कर पाया इसीलिए उसने थोड़ा दुख व्यतीत किया मेक द सेमिनार वॉन्ट मीन एनीथिंग राइज मतलब उठना बिना ऑब्जेक्ट के आएगी इन द ईस्ट द सन राइज और रेज मतलब उठाना ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कीजिए मॉडल ऐसी एस नहीं रखती साधारण होती तो आगे टू प्लस वी वन नहीं टू प्लस वीवन लिखा जाता वी वन नहीं लिखा जाता ढाई तीन घंटे से लगातार बोल रहा हूं नॉन स्टॉप और दो सेंटेंस और बोल के फिर फिनिशिंग करते हैं इस चीज को। I remember to meet him five years ago. मैंने पढ़ाया था क्लास में भी कि फॉरगेट और ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ जब इन्फिनेटिव लिखा जाता है और आई एन जी लिखी जाती है तो अलग अलग थीम नजर आती है रिमेंबर के साथ इंफिनेटिव लिखने पर आपको थीम नजर आती है फ्यूचर की जो काम आगे होना है कंफर्म कर लू एक बार हाँ इसीलिए थोड़ा सोच कर बोला जो काम आगे होना है रिमेम्बर के साथ जब आईएनजी आती है तो वो काम पास्ट में हो चुका है आप ये दिखाते हैं याद है लास्ट ईयर हम लोग वहां घूमने गए थे हाँ मुझे याद है हमने वहां खाना खाया था साथ में बैठे थे उठे थे ईटीसी आई रिमेंबर गोइंग देयर मैं वहां जा चुका हूं मुझे अच्छे से याद है और याद है कल उनके यहाँ जाना है शाम को उनके यहाँ शादी है हाँ मुझे अच्छे से याद है उनके यहाँ अपन को जाना है आई रिमेंबर टू गो देयर जैसे आई हैव टू गो देयर I repeat, remember और ऐसी कुछ verbs हैं English में जिनके साथ infinitives to plus v1 आने वाले वक्त को दिखाते हैं जो भी हुआ नहीं है होगा और ing बीते हुए वक्त को दिखाते हैं जो हो चुका है Sentence क्या कह रहा है I remember मुझे याद है to meet him उससे मिलना इसके दो मीनिंग बन जाएंगे या तो मैं उससे मिल चुका हूं या फिर मैं उससे मिलूंगा पर सेंटेंस लिख रहा है इयर्स अगो साल लेकिन हाँ मुझे अगले हफ्ते उससे मिलना है तो ये नो एरर था आई रिमेंबर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक क्योंकि अभी हम लोग मिले नहीं है ध्यान रखिएगा और आखिरी स्टेटमेंट इस पूरी सीरीज का एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी जब मैं चूंकि मुझे नींद आ रही थी <coughs> तो मैंने फिर एक कप कॉफी मांग ली कई बार पढ़ा दिया इसी वीडियो में पास पार्टिसिपल पैसिव वॉइस प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस शी इज कमिंग वो आ रही है वो ही आ रही है बट शी वाज इन्वाइटेड उसे बुलाया गया था पैसिव थीम दिखाएगा और चाय स्टीम्ड कप ऑफ जिसमें से भाप निकल चुकी है या वो चाय वो चाय का कप जिसमें से भाप निकल रही है तो मैं ठंडी चाय थोड़ी मांगूंगा मां से से किसी भी कि मेरे लिए चाय लिया ठंडी बिल्कुल कोल्ड टी ले कॉफी नहीं ऑब्वियसली चाय हम वो पीना पसंद करते हैं जिसमें से अभी भाप निकल रही है इसका मतलब वो गर्म चाय है और उस केस में पैसिव थीम नहीं है एक्टिव थीम जाएगी कंटिन्यूअस है अभी भी भाप निकल रही होनी चाहिए गर्म होनी चाहिए इसलिए स्टीमिंग कप ऑफ टी ना होकर स्टीम्ड कप ऑफ टी ना होकर स्टीमिंग कप ऑफ टी लिखना बेहतर होगा रिमेंबर के साथ आई एन पास्ट में जो काम हो चुका है तीन साल पहले हम लोग मिले थे मुझे अच्छे से याद है पांच साल पहले मिले थे रिमेंबर के साथ टू प्लस वी वन अपकमिंग टाइम को दिखाता है और चाय गर्म होनी चाहिए ठंडी वंडी मत ले आना मेरे लिए स्टीमिंग कप ऑफ टी ठीक है इस सबसे लंबे वीडियो के साथ आई होप सो मैंने दो घंटे का वीडियो तो आज तक नहीं डाला पर हाँ आपसे विदा लेता हूं अभी काफी बोल लिया मैं भी रात के पौने तीन बज रहे हैं करीबन तीन बजने पर ही आगे वैसे तो ये जब भी लाइव होगा आपके पास अगले सात दिन में आपको एडवर्ब नया टॉपिक यूट्यूब पर मिल जाएगा काइंडली स्टे कनेक्टेड आप सभी से रिक्वेस्ट है और शुक्रिया आपकी प्रेजेंस के लिए इसका पार्ट वन देख लेना जिन्होंने ना देखा हो जिसमें शुरुआत के वन टू थर्टी क्वेश्चंस थे और डिटेल में मैंने चीजों को समझाया था पार्ट फ्रॉम दिस कोई नया हो तो ग्रामर की प्लेलिस्ट चेक कर लेना नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल्स टाइम एंड टेंस वर्ब और आने वाले एडवर्ब कंजंक्शन वॉइस नरेशन बहुत कुछ आपको मिल जाएगा वोकैबुलरी के कई वीडियोस हैं जिसमें रूट वर्ड्स एडियम फ्रेजेस वन वर्ड्स उनकी एटमोलॉजी हिस्ट्री ऑरिजिन के साथ दिखाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो लोग एग्जाम्स के, के लिए पढ़ रहे हैं मेरे पास उनको ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियो पैराजम्बल्स के अवेलेबल हैं, हैं।, हैं वो प्लेलिस्ट खोलकर एक बार चेक कर सकते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जाना कई चीजें आप जो चाहते होंगे शायद आपको वहां पर मिल जाएगी आप मेरे साथ शाम को जुड़े रिक्वेस्ट है मेरी फाइव पी डेली फ्री में आपको मिलेगा कोई पेमेंट नहीं उस चीज का अन के यूट्यूब चैनल बैंक प्रोपर थैंक्स टू अनडमी फ्री क्लासेस के लिए और अभी मैं लाइव जो बोल रहा हूँ के डी पब्लिकेशन की पूरी किताब सॉल्व करा रहा हूं तो वो पूरी बुक आप तीस दिन में, में मेरे साथ सॉल्व करेंगे मिलते हैं आपसे रोजाना पांच बजे अन अकेडमी के चैनल पर और प्रीवियसली इससे पहले मैंने एसपी बख्शी पूरी सॉल्व करा दी थी आप वो चाहें तो वो वीडियोस भी पढ़े वहां से आसानी से देख लीजिएगा दो क्लासेस मेरी प्लस पर होती है शाम सात बजे ग्रामर के लिए आठ बजे प्रैक्टिस के लिए जो प्लस पर हो अन अकेडमी पर जुड़ सकते हैं और मेरे साथ कोई पढ़ना चाहे तो मेरी ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश बाय कपल देव शर्मा वहां पर मिल सकते हैं

पीडीएफ ेशन कौन सी क्लास कब है फ्री है वो सब आपको डेली वहां से मिल जाएगी इंग्लिश बाय बायिलेव शर्मा वोकैबुलरी के साथ भी फेसबुक पेज इफ यू विश टू कैन लाइक पर प्लस एजुकेटर बैंकिंग स्ट्रीम में इंग्लिश पढ़ाने के लिए ही कपिल देव शर्मा नाम से वेरीफाइड एजुकेटर एक बार चेक कर लीजिएगा बैंक एस एस सी यूपीएससी किसी भी चीज के सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं कपिल सर एंड विल गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ एट गेट्लमी प्लस इंडिया लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुक्रिया आप सभी को प्लीज बी सेफ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग दिस इज कबुलव शर्मा एंड ऑलवेज वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कबुलव शर्मा थैंक यू